अस्सलाम वालेकुम नाजिन प्रोग्राम सुबह मेरान में असा तां जी खिदमत में हाजिर आयो मा तां जो पांजो अजमत अल्लाह कुंभर ही मुसा गन मौजूद आइन ताहिरा जो यो अवल नाम अल्लाह जो जो दींदड़ दे सारे दई न पचारे मिड़निया मेहरबान गणो सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा वत इज मंतशा वत जिल मंतशा बेशक परवरदिगार जंहिंखे चाहे इज़तुन सां परवरदिगार नवाज़ींदो आहे अल्लाह पाक खां हमेशह जॾहिं असां दुआ घुरंदा आहियूं त इज़तुन जी हिफ़ाज़त जी रब पाक खां दुआ घुरिजे त अल्लाह साईं इज़तूं असांजूं सदा आबाद रखे ऐं हूअं बि इंसान कुल कमाई जेका चवंदा आहियूं न उहा इज़त ई हूंदी आहे इंसान जी। नाज़रीन सुबुह जो वक़्तु आहे ऐं उमेद कयां थी त सुबुह जो वक़्तु ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांजो गुज़रंदो हूंदो ऐं सुबुह जो पहर यकीन वणंदड़ पहर हूंदो आहे। ॿ टे पहर जेके बि ॾींहं जा थियनि था उन में मोस्टली माण्हुनि खां जॾहिं बि पुछो आहे त चवंदा आहिनि त सुबुह जो पहर वणंदड़ हूंदो आहे या घणो पहर जेको हूंदो आहे उहो सिज लथे खां पोइ जेको पहर आहे उहो वणंदो आहे यानी शाम धारे वारो पहर या राति वारो पहर बि सुकून ॾींदड़ हूंदो आहे। व्यूवर्स सुबुह सुबुह जे टाइम ते प्रोग्राम हिन वक़्तु लाइव हलंदो आहे, स्क्रीन ते ॾिनल नंबर हली रहियो हूंदो, तव्हां डायल करे सघो था, प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, खोड़ सारियूं ख़बरूं अवां सां शेयर कंदासीं ऐं सुबुह जो प्रोग्राम आहे त कोशिशि कंदा आहियूं त लाइट वे सां असां स्टार्ट कयूं ऐं पोइ इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करण जी कोशिशि ज़रूरु हूंदी आहे, न सिर्फ़ु मुंहिंजी न सिर्फ़ु असांजे मेज़मान साथी जी पर इंटायर टीम जी इहा कोशिशि हूंदी आहे, सॼी टीम जी इहा कोशिशि हूंदी आहे। स्क्रीन ते ॾिनल नंबर हली रहियो आहे, हिकु दफ़ो मां अनाउंस कंदसि रोज़ जीअं 0222102855 तव्हां डायल कजो ऐं प्रोग्राम में शामिलु थीजो, तव्हांखे दिलि जी गहराई सां असां वेलकम चवंदासीं। अॼु रेडियो जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं रेडियो यानी आवाज़ जी दुनिया ऐं आवाज़ जी दुनिया यकीन नाज़रीन तमामु हसीन दुनिया थींदी आहे जिते तव्हांखे जेको ॻाल्हाए रहियो हूंदो आहे उनजी अपीयरेंस जी ख़बर कोन हूंदी आहे त उहो कीअं ॾिसजे थो, उनजो लुक छा आहे, उन कहिड़ा कपिड़ा पाता आहिनि या उहो कीअं लॻी रहियो आहे, उनजो हेयर स्टाइल कीअं आहे, छोकिरी ॻाल्हाए थी त उनजे कपिड़ा उनजा कहिड़ा हूंदा, उनजो ड्रेसिंग कोड छा हूंदो, उनजा सैंडल्स। पर मुंहिंजो चवण जो जेको मक़सदु आहे, जेका ॻाल्हि मां करणु चाहियां पई त अपीयरेंस काउंट कंदी आहे, चवंदा आहिनि त अपीयरेंस तव्हांजी 70-80% काउंट थिए थी, उनखां पोइ जेको आहे सो तव्हांजो ॻाल्हाइणु तव्हांजो बिहेवियर काउंट थींदो आहे। पर रेडियो जी दुनिया उहो वाहिद दुनिया आहे नाज़रीन जंहिंमें तव्हांजे आवाज़ जो जादू जेको हूंदो आहे उहो ॿुधंदड़नि जी दिलनि ताईं वञी रसंदो आहे ऐं उन आवाज़ जे जादू में सभु गिरफ़्तार थी वेंदा आहिनि ऐं जिते जिते तव्हां मौजूदु हूंदा आहियो उते वेही करे तव्हां गौर सां ॿुधंदा आहियो त जेको कंपेयर आहे उहो छा ॻाल्हाए रहियो आहे। मां थोरी हिस्ट्री तव्हांखे ॿुधाईंदमि। गुगिलमो मार्कोनी पहिरियों उहो शख़्स हुयो जंहिं इहो आइडिया ॾिनो त रेडियो यानी वायरलेस टेलीग्राफ, इहो आइडिया उन टाइम में तमामु वॾो आइडिया हुयो त परे दूर वेही करे कंहिंजे आवाज़ सां असां का ॻाल्हि ॿुधी सघूं ऐं 1980-90s में चयो वञे थो त इहो फर्स्ट सिर्फ़ु आइडिया हुयो ऐं उनखां पोइ उन आइडिया शकल जेका वरिती आहे उहा 1895 में वरिती आहे ऐं जेको पहिरियों उन्हनि जो तजुर्बो हुयो हुननि हिकिड़ो नोट छॾियो हुयो जेको किलोमीटर्स ताईं किलोमीटर्स जे फ़ासिले ताईं अॻिलनि माण्हुनि ॿुधो हुयो ऐं इहा कामयाबी हुई उन माण्हुनि जी जिन इन ते कोशिशि कई ऐं अॼु हीअ कामयाबी आहे त तव्हां स्क्रीन ते असांखे ॾिसी रहिया आहियो, स्क्रीन ते असांखे ॿुधी रहिया आहियो। बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं रेडियो तमामु वॾा नाला पैदा कया ऐं इन ते असां अॻियां हली कुझु दोस्त असां सां लाइन ते मौजूदु हूंदा, कुझु वीडियो लिंक्स ते मौजूदु हूंदा रेडियो ते जेके ॻाल्हाईंदा ऐं जिन रेडियो खे परवान चढ़ायो, जिन रेडियो में ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं ऐं रेडियो ते हिकिड़ो सेगमेंट न हूंदो आहे ॻाल्हाइण लाइ, केतिरा ई कलाक खपनि तॾहिं बि घटि आहे जेके जिन कयो आहिनि। पर तव्हां ॻाल्हि कई मौसम जी त अॼु हैदराबाद में त मौसम मन मोहींदड़ आहे बिल्कुलु ऐं उनखां अलावा सामूंडी इलाइक़नि में गजगोड़ सां बरसाति आहे, बलोचिस्तान में कुझु वधीक बरसाति आहे छाकाणि जेको बरसाति जो नओं सिस्टम आहे उहो बलोचिस्तान खां दाख़िलु थियो आहे ऐं हिन वक़्तु हैदराबाद में बि ककर छायल आहिनि, राति बि मींहण वेठा कया। सो इहो गानो मूंखे जॾहिं बि ईअं ककर ईंदा आहिनि त इहे यादि ईंदो आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हिन वक़्तु बरसाति जारी आहे ऐं जेका लाल जी पटी आहे, सामूंडी पटी आहे, उते बि बरसातुनि जो सिलसिलो आहियूं। सो ईअं ख़ूब इहे त हाणे कहिड़ी कहिड़ी शायरी कजे मौसम ते, अॼु असां वटि हिकु शायर बि मौजूदु आहिनि। सो इंट्रो में असां चाहियूं पिया थोरी थोरी शायरी बि गॾो गॾु हले। बिल्कुलु बिल्कुलु सभिनी खे इंतज़ारु हूंदो आहे त पाण जीअं कल्ह अचण सां ई चयोसीं त कोन बनेगा वज़ीर आज़म ऐं कोन बनेगा CM। सो उन ते पाण जेके पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त पंहिंजो स्टार्ट में ई, छाकाणि उनखां पोइ हाणे कुझु देरि खां पोइ वरी ॿीहर नयूं ख़बरूं अचणु शुरू थींदियूं, उन ते वधीक जेको आहे माण्हू
जो कोर्टनि में केस हलंदा आहिनि. बिल्कुलु सो बिल्कुलु जी टी ए जो कल्ह वॾो इजलास थियो, आला सतही इजलास थियो कराची में, ऐं ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस जो जेके इजलास में जेके बि जी डी ए जा जी हारायल उमेदवार हुआ उहे सभु उते मौजूदु हुआ. ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, मोहम्मद ख़ान जुड़े जो, त मौज़म अब्बासी, ऐं हितां पंहिंजो साईं अब्बासी साहबु, सफदर सफदर अब्बासी, अब्बासी जी सो अयाज़ लतीफ़ पली जो, इहे सभु मौजूदु हुआ. ऐं मुख़्तलिफ़ तजवीज़ुनि ते गौर कयो वियो. आख़िर में पीर साईं पागारो जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उहा ॾाढी मतिलबु त हिकिड़ो त इंकिशाफ़नि सां भरपूर हुई. ऐं हुन ॿुधायो त मूंखे चयो वियो त आसिफ अली ज़रदारी साहब सां तव्हां इतिहादु कयो त असां फंक्शनल लीग खे सीटूं ॾींदासीं, जेकॾहिं नथा कयो त पोइ जी डी ए खे हिकु बि सीट न हा मिलंदी, जी डी ए बिल्कुलु जे अॻियां ज़ीरो लिखी ज़ीरो छॾियो. लिखी छॾिबो उन खां पोइ पीर साईं पागारे वॾा ॾोरापा ॾिना आहिनि त असां 1958 खां वठी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं मुख़्तलिफ़ उन्हनि केतिरियूं ॻाल्हियूं कयूं. जी आख़िर में जी हिननि चयो त बाबा हाणे इहे नतीजा असां रद्द कयूं था, खैरात में जेके तव्हां 2 सीटूं ॾिनियूं आहिनि इहे तव्हां पाण वटि रखो, पाण वटि असांखे न रखो इहे ॿ खपनि. सीट्स बि ऐं उन्हनि जा ॿ जेके उमेदवार जेके कामयाबु थी आया आहिनि उन्हनि खे मना जी कयो आहे त हू पंहिंजो कसम न खणंदा, असेंबली में न ईंदा. ऐं 15 तारीख़ ते जुमे जे ॾींहुं, उहो जो 16 तारीख़ जुमे जे ॾींहुं जेको आहे हैदराबाद में धरणे जो ऐलान कयो आहे. उनमें पीर साईं पागारो पाण बि ईंदो, जी डी ए जी समूरी क़यादत हूंदी. पहिरें मरहले में इहो धरणो ईंदो, उन खां पोइ जंहिं ॾींहुं हीअ असेंबलियूं ठहंदियूं कसम खयो वेंदो, उन ॾींहुं असेंबलियुनि जे आॾो बि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो ऐं वॾा बिल्कुलु धरणा आया वेंदा. अहिड़ी रीति पाण जे यू आई जी ॻाल्हि कयूं त मौलाना फज़लुर रहमान जे यू आई फे सॼे मुल्क में कल्ह बि एहतजाजी मुज़ाहिरनि जो सिलसिलो जारी रखियो. हा कल्ह उन्हनि बिल्कुलु ॿिए बिल्कुलु मरहले में जेके बि इलेक्शन कमीशन जूं ऑफिसूं हुयूं सॼे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ते, उते जे यू आई जे जेके बि यूनिट्स आहिनि सॼे मुल्क में जेके उन्हनि जो तंज़ीम साज़ी आहे, उन्हनि एहतजाजी मुज़ाहिरा कया ऐं उन्हनि बिल्कुलु नतीजनि खे रद्द कयो. ऐं हिन वक़्त ताईं नतीजा जेके अचनि पिया उहे त फाइनल थी चुका आहिनि, पर केतिरा ई जेके आहिनि उहे सवाल आहिनि, केतिरा ई इनवर्टिस कामा आहिनि उन्हनि ते ज़रा ॻाल्हाए सघिजे थो. पर तव्हां जेसि ताईं इनवर्टेड कॉमास चवंदा आहियो त असांजा व्यूवर्स समुझी वेंदा अहिड़ी आहिनि रीति कल्ह नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी विच में ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो कल्ह बि जारी रहियो. ऐं पोइ असीं सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी जो इजलास थियो, उन में इहो ई फ़ैसिलो कयो वियो त ॿिनि अञा फ़ैसिलो न थियो आहे हतमी राय या न जुड़ी आहे. जी तजवीज़ इहा आहे त 2.5 सालनि जे लाइ हुकूमत आंदी वञे. 2.5 साल जेको आहे बिलावल वज़ीर आज़म थिए त 2.5 साल जेको आहे नवाज़ शरीफ़ वज़ीर नवाज़ आज़म शरीफ़ थिए. वज़ीर आज़म थियनि ऐं घणे भाङे पीपल्स पार्टी जा जेके सीनियर सियासतदान आहिनि उन्हनि जो मशवरो इहो आहे त कमज़ोर हुकूमत न ठाहियो, इन जी खां भलो बहितर इहो आहे त अपोज़िशन में हली वेही रहो, मख़लूत हुकूमत न मख़लूत हुकूमत. जोड़ियो ऐं इन खां पोइ वरी जेके उन मामला थियणा आहिनि. जी नवाज़ लीग जेको इहो कयो आहे न पंहिंजो 2.5 सालनि वारो, इहो गुज़िरियल पहिरीं बि हुकूमतुनि में नवाज़ लीग बलोचिस्तान में ख़ासि करे इहो फार्मूला आंदो हुयो त 2.5 साल हिकिड़ी पार्टी, 2.5 साल ॿी पार्टी. ऐं पोइ हींअर बि उन्हनि इहो ई चयो आहे त 2.5 साल तव्हां वज़ीर आज़म थियो, 2.5 साल नवाज़ शरीफ़ थियो. नवाज़ शरीफ़ साहिब खे वज़ीर आज़म थियण जो वॾो शौक़ु आहे. सो आसिफ अली ज़रदारी साहिबु चए थो त बाबा असां फ़ैसिलो करे छॾियो त असां वज़ीर आज़म बिलावल खे कंदासीं. सही. ऐं नाज़रीन, हिस्ट्री जेकॾहिं ॾिसजे थी त भरवारो मुल्क असांजो इंडिया, उन में बि सख़्तु वक़्तु आयो हुकूमत जो, ऐं उन खां पोइ आम आवाम ते छॾियो वियो त वरी उन्हनि जी सिलेक्शन छा आहे, उहे छा था कनि. पर असां वटि वरी चवंदा न माप तोर वारो सिस्टम अची वियो आहे जेको पाण सभु ॾिसी रहिया आहियूं. सो इहो आहे. ऐं उनखां अलावा हिननि समूरियुनि पार्टियुनि सां पीपल्स पार्टी राब्तो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे. एम क्यू एम वारा त दोस्त हुते मौजूदु आहिनि लाहौर में, हुते कम्युनिकेशन हुते को गेप कोन्हे, को जेॾी महिल फ़ोन कंदा वीचारा अची था वञनि. बाक़ी ॿियूं जेके पार्टियूं उन्हनि सां राब्तो कनि पिया, ऐं आज़ादु उमेदवारनि सां बि राब्ता नवाज़ लीग जा जारी आहिनि. उन्हनि खे अताउल्ला ताड़र खे असाइनमेंट मिलियल आहे त उहो लॻो पियो आहे आज़ादु उमेदवारनि खे तोड़ण जी, जेके पीटीआई जा हिमायत याफ़्ता आहिनि. सो अहिड़ी रीति वरी कल्ह वॾियूं ख़बरूं आयूं आहिनि. इहे हिकिड़ो त इहो ज़ाहिरा सम्झो असां हिनखे रुटीन सम्झंदा आहियूं त भई ठीकु आहे इजलास हलनि पिया, मामला हलनि पिया. जहांगीर तरीन कल्ह इस्तीफ़ा ॾेई छॾी, हुन खां पोइ पार्टी बि छॾे ॾिनई, चई त हाणे सियासत खां ई मूं हथु खयो. ऐं वीचारो आहे त शरीफ़ माण्हू, कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे इहे ग़लतियूं थी वेंदियूं आहिनि. सो उते सिद्दीक़ बलोच आहे उहो हुनखे उथणी नथो ॾिए. सो हेॾी सारो हेॾो सारो पैसो, पंहिंजा हेलीकॉप्टर, पंहिंजा जहाज़, सियासतदाननि खे मतिलबु त हर हू पंहिंजो सहूलियत ॾींदो आहे. ऐं बाक़ाइदा जीअं चयो वेंदो आहे न, जहाज़ भरे जेको आहे उन्हनि खे वज़ीरनि खे ख़रीद कयो वेंदो आहे. जी हा. सो कल्ह दिलि शिकस्ता थी, उन्हनि चयो त बाबा हाणे पंहिंजी अलाव आई आहे. उन्हनि पंहिंजो बोरी बिस्तर ॿधो ऐं चवंदो बाबा इहा तव्हांजी सियासत, तव्हांखे मुबारक, आई पी पी बि तव्हांखे मुबारक. आई पी पी बि हुननि टोड़ण जो ऐलान कयो. पोइ वरी कुझु तलाई आहिनि त आई पी पी वरी अलीम खान ऐं ॿिया दोस्त हलाईंदा. अहिड़ी रीति परवेज़ खटक बि चयो आहे त बाबा पंहिंजी अलाव आई आहे. उहो परवेज़ खटक बि शिकस्त खां पोइ जेको आहे उन्हनि
तमामु घणी तनक़ीद कई अमल पंहिंजे जो यानी असां चाहूं था रदे अमल ज़ाहिर अमल जो, रदे थींदे अमल ॾिसूं हूंदा पिया हुननि जो पाण। पंहिंजी चूंड में जेका ॿोली ॻाल्हाई उहा हुननि खे सोहे न बिल्कुलु पई, बिल्कुलु पर ज़ाहिर आहे नौजवाननि जेको फ़ैसिलो कयो आहे, ख़तरनाक इहो जो फ़ैसिलो कयो आहे। हर माण्हू जे चए थो त बाबा अॼु जेके नौजवान आहिनि इन्हनि हिन मुल्क जो जेको उन्हनि हिकिड़ो प्लान ठहियलु हो, बी प्लान ठहियलु हो, सी हा प्लान हा हा ठहियलु हो, इहे सी प्लान जेके आहिनि नौजवाननि धजूं उॼाए छॾियूं ऐं चयूं त भई हुन खां हाणे त प्लान ठहनि ई नथा त कहिड़े प्लान खां अचूं। बिल्कुलु ईअं जीअं ई कोन आहे, माण्हू बिल्कुलु शतरंज में या हुन में अची फासंदो आहे त हाणे वञूं कहिड़े पासे। सो इहे मामला आहिनि। अहिड़ी रीति जमायत इस्लामी जो अमीर सिराजुल हक़ साहिबु, उन्हनि बि पंहिंजी जी इस्तीफ़ा ॾेई हाँ छॾी आहे। हुननि चयो त बाबा असां हाणे चूंडनि में ऐं पंहिंजी हिकु बि सीट जमायत इस्लामी खे न खटाए सघियो आहियां ऐं इन ई करे आउं इस्तीफ़ा ॾियां थो। इस्तीफ़ा उन्हनि जमायत इस्लामी जे दोस्तनि खे वधीक ख़बर हूंदी, कुझु शयूं असांखे बि ख़बर आहिनि, जी त हाँ हूअं बि कुझु ॾींहंनि खां पोइ जमायत इस्लामी जो जेको हूंदो आहे बी ओ जी जो सम्झ, जीअं जंहिंखे पाण बी ओ जी चवंदा आहियूं, उनजो बि हिकिड़ो आला सतह शूरा जो, हुनखे शूरा चवंदा आहिनि, जी शूरा जो इजलास थियणो, हुन में नए अमीर जी चूंड थियणी, नई मतिलबु शूरा अचणी, त हुननि चयो त बजाए हिन जो हफ़्तो आउं कयां त उई जुमे ते हिननि जो शूरा जो इजलास आहे या छंछर ते। सही सो हुननि हुनखां पहिरीं इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। ईअं खोड़ ख़बरूं, कहिड़ियूं हाँ ख़बरूं ॿुधंदो हू? बिल्कुलु विच में नाज़रीन न्यूज़ ब्रेक बि हूंदो ऐं अच्छा, चाहींदासीं त हिकिड़ी मां तव्हां ख़बर पंहिंजे जी नाज़रीन खे जी ॿुधाईंदो वञा, जेका बिल्कुलु हींअर आई आहे। सीनियर सियासतदान ऐं अॻूणो एम पी रहियो आहे खीरपुर नाथन शाह सां हुननि जो तालुक़ु आहे ऐं हिन वक़्तु हू खटे बि विया आहिनि। हीअ जेके इलेक्शन थियूं आहिनि, PS 80 आहे के एन शाह जी, जी अब्दुल अज़ीज़ जुणे जो साहिबु लाॾाणो करे विया आहिनि। लाॾाणो करे विया आहिनि, बिल्कुलु अब्दुल अज़ीज़ जुणे जो साहिबु रिटायर कामोर आहिनि ऐं हुनखां अलावा इंजीनियर रहिया आहिनि, उहो इरीगेशन ऑफिसर हुआ ऐं हुननि जी घरवारी बि सियासत में हुई, हुननि जो वालिद साहिबु बि सियासत में, उहो बि वज़ीर हुयो। ऐं अब्दुल अज़ीज़ जुणे साहिबु हिन काफ़ी अरसे खां वठी 2 खां 3 महीननि खां वठी हू बीमार हुआ। हुननि पंहिंजो चूंड वर्क बि न हलायो, हुननि जा भाइटिया ऐं ॿिया जेके मिट माइट आहे उहो वर्क कंदा हुआ। जी हाँ ऐं हिन वक़्तु इहा अफ़सोसनाक ख़बर साम्हूं आई आहे त अब्दुल अज़ीज़ जुणे बिल्कुलु साहिबु लाॾाणो करे विया आहिनि। असां संदनि कहोल सां दुख में बराबरि जा शरीक आहियूं ऐं अल्ला पाक संदनि जी मग़फ़िरत था फ़रमाए। नाज़रीन तव्हां बि यकीननि ॿुधो पिया, प्रोग्राम ॾिसो पिया, त तव्हां बि पंहिंजी दुआउनि में संदनि खे यादि करियो ऐं जेकॾहिं अव्हां चाहियो त पोइ असां महिमाननि जी तरफ़ वधूं अॻियां। बिल्कुलु महिमाननि ॾांहुं वधो, ज़रूरु ज़रूरु, छो न। मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु बरसाति जूं जी ख़बरूं अचनि पियूं, बूंदा बांदी, सनी सनी बूंद हुजे, राणल जी खुआर हुजे। तव्हां सो त पाण हलंदासीं महिमाननि ॾांहुं। ख़ूबसूरत शख़्सियतूं आहिनि, हुन पंहिंजो जेको कमु कयो आहे ऐं मतिलबु त ज़रूरी न आहे त तव्हांखे अला साईं सभु कुझु ॾिए ऐं पोइ तव्हां कमु कयो। चङा भला माण्हू जेके आहिनि हथ पेर सलामत हूंदे, बसि तव्हांजो हर शइ दिमाग़ सलामत जेकॾहिं सऊं हूंदे, आहे त पोइ तव्हां कुझु बि उन करे सघो बावजूद था। बि हू कुझु नथा करे सघनि ऐं उनखां पोइ बि हू सॼो ॾींहुं निकमा थी वेठा आहिनि। ऐं हिकिड़ा उहे दोस्त आहिनि, हिकिड़ा उहे माण्हू आहिनि ऐं जेके हिन समाज जा रोल मॉडल आहिनि ऐं उत्साहिनि था न, हर वक़्तु उत्साहिनि था। जेॾी महिल बि असां ॾिसूं था त चवनि था अच्छा यार हीउ ॾिसो, हीउ मतिलबु त हीउ कमु बि कनि था, हीउ कमु बि कनि था, यार अच्छा तव्हां इहो कमु कीअं था करे वठो। ऐं उन खां अलावा घणे भाङे माण्हू जेॾीमहिल पाण डिसेबल्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त घणे भाङे असांजा माण्हू हुते उन्हनि खे हिकिड़ी व्हील चेयर ॾेई चौराहे ते विहारे ईंदा आहिनि, पोइ शाम जो हुनखे वञी खणी ईंदा आहिनि ऐं हुनखे पिनाईंदा आहिनि। ऐं वरी इन्हनि जी बि हिकिड़ी वरी मार्केट बि हूंदी आहे जेके माफ़ियाऊं हूंदियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे कंदियूं आहिनि। पर जॾहिं असां अचूं था हिननि नौजवाननि ना त हिननि जेको कमु कयो आहे उहो माण्हुनि खे लफ़्ज़नि में बयानु क़ाबिले ज़िक्र आहे, क़ाबिले तारीफ़ आहे। नाज़रीन डिफ़रेंटली एबल असां चई सघूं था त असांजे प्रोग्राम में अॼु ॿ शख़्सियात मौजूदु आहिनि ऐं डिफ़रेंटली एबल आहिनि। असांखे हुननि ते फ़ख़्रु आहे, हमेशह असांजे प्रोग्राम में लबैक चई ईंदा आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में जॾहिं बि शामिल थिया आहिनि हमेशह हमेशह प्रोग्राम ॾाढो इंफॉर्मेटिव तव्हां ताईं पहुतो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजे प्रोग्राम में लाल मोहम्मद बलोच साहबु मौजूदु आहिनि। लाल मोहम्मद साहब खे पहिरीं त दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी, गुड मॉर्निंग। ऐं तव्हां जॾहिं बि प्रोग्राम में आया आहियो यकीन मञो प्रोग्राम उन ॾींहुं जो ॾाढो ख़ासि मूंखे लॻंदो आहे। नाज़रीन पाण मैनेजर आहिनि हैंड्स ILE हैदराबाद जा ऐं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। ऐं जॾहिं बि संदन सेंटर ते वई आहियां यकीन कयो त मूंखे हिकु अलॻि दुनिया लॻंदी आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे त जिते जिते असां वटि ज़हनी कमज़ोरी हूंदी आहे उते उते मूंखे लॻंदो आहे त वाकई में असां वटि गैप्स पैदा थींदा आहिनि। पर व्हील चेयर ते वेठल ॿारड़ा जॾहिं मूंखे ज़हन जा तंदुरुस्त नज़र ईंदा आहिनि त यकीन मञो मूंखे लॻंदो आहे त यकीननि पाकिस्तान असांजी सिंध हिकु ॾींहुं उन्हनि बुलंदियुनि ते हूंदी ऐं उहा तरक़ी ज़रूरु कंदी। नाज़रीन उन खां अलावा असांजे प्रोग्राम में खुर्शीद आलम खुर्शीद साहबु मौजूदु आहिनि ऐं पाण CEO आहिनि सदा फाउंडेशन जा। ऐं हूअं जेकॾहिं आउं उन्हनि जी ॻाल्हि कयां त पाण KPK जी पैदा आयश आहिनि ऐं KPK जूं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं हिननि सां थींदियूं। पाण शायर बि आहिनि ऐं तव्हांखे भलीकार चवां थी, मैं आपको वेलकम कहती हूं, हैव अ गुड मॉर्निंग। ऐं मां सम्झां थी
तसर तहां जी अपीयरेंस असाय प्रोग्राम ला अज शानदार हुंदी ए प्रोग्राम डाड़ो जानदार बिल्कुल हुंदो तो जी प्रोग्राम तमाम जानदार हुंदो पर असां को नंडो ब्रेक है वापस यस अची पो कचहरी ने का पेरी जो जी असां हां कचहरी को टुटरे ने का पेरी असां ब्रेक वठी ना जिन के दाम नवन जो असां को नंडो ब्रेक वठी वापस अचू ता दिसंदा रहो सुबह मेहरान नाजिन सुबह मेहरान में एक बार बेहर भलीकार तैयार ताने चाय अच्छी बिल्कुल चाय चाय जो बिल्कुल मुख्य ध्यान न रहे बिल्कुल असल रखी बिल्कुल हुआ चाय सारे चाय मौजूद है यहीं बाहर हैदराबाद में यार मौसम बड़ा खूबसूरत है बाहर आ इतरो प्यारो मौसम आए बाहर आ मां पूछा भाई बाहर ना है ककर बाहर जी आमद आवद आई चाओ बाहर जी आमद आए ना हल्को हल्को सी बाए हल्को हल्को सी वणदर मौसम आ ना सुबह सुबह जो डाडो जबरदस्त एकड़ो जुमलो चयो आ है त सुबह जी का मौसम आ है उन जला खास जुमलो मखे लगो पर मखे विसरी बयो आ जुमलो बिल्कुल बिल्कुल नाजिन के पान बैठे खबरू लगो बुधाए वठो उन खा पान मेहमानन सा कचहरी कयो नाजिन ये आ है त जे सजे बलूचिस्तान में जको आ है वो शटर डाउन हड़ताल आ है शटर डाउन हड़ताल ने करे त चार खा पंज जमायतुन इतिहाद कयो आ पान में उन चयो आ त चूंडन में धांधली थी आए सो इन के करे उन्होंने जो एहतजाज की कॉल नहीं है इन वक्त को भी दुकान न खुलो है बलूचिस्तान में जी असके नाजरन दिसन पे उन्होंने फोन कर जिक्र छो ना कर सो बलूचिस्तान वा भायरों सो एहतजाज की ऐलान किया शटर डाउन हड़ताल कर वेठा अस प्रोग्राम ऐसो पाँच वही मेहरबानी अड़ी रीत नवाज लीग वटा खबरू आयु जरिए वटा तो जजी अजम बिलावल थी तो वह तो परदे वजीर जो केर थी सवाल ता है सवाल खबर है केरा जी मरियम नवाज आ सो मरियम नवाज के परदेही वजीर ठाण जो मतलब त गौर कयो पे वने जी जी एड़ी रीत कल पान ऐलान कयो सी त मुराद अली शाह साहब के सीएम सिंध एक बेरो बे ठाण पे हां हां पर कल जो को सीओसीओ सीसी जो इजलास थियो आ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी जी उन में वरी जो खबरू हलियो पे जो के मामला हलिया पे छचन बाज गुश्त जो कन में सुरसुर पे हलंदी आ उन में जो खबर आई है तो फरियाल टालपुर साहब के साहिबा के सीएम ठहण की तजवीज़ गोर हेठा है पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास अज बेहर थो कल अणपूरों थो कल फैसला न थी सको अज बेहर वो सलाह मशवरा कर अज बेहर इजलास कड़ी तजवीजू सामू अचन थी कड़ा फैसला सामू अचन था परेशान बाबा सब जो खटियां तो वनू हाँ कड़े पास 2018 के इलेक्शन में डिठोसी पांजो जी ही नतीजा अचान शुरू थे तो इमरान खान ओडी मल रात दहें यारह बजे अची वो अची एज अ वजीर आजम आवाम तमाम घो किराए 2013 में नवाज शरीफ घर की बालकनी में निकली आयो तो बाबा वजीर आजम थी वो इन दफे चार डी थी अजा तीन जो है अमरा खेर बाहर ही निकतो डाउनलोड ही नथी सगयो है जे को सिस्टम है ना वो डाड़ो सा स्लो थी वयो आ बिल्कुल बिल्कुल लाल मोहम्मद साहब मौजूद हैं आई जे करे तहां गाल कयो पिया खबरों जी इन्फॉर्मेटिव गालियों हैं त पेरियो पेरियो आ पूछण चाहिंदस लाल मोहम्मद साहब का सर ये पूरा सिस्टम हमने देखा है इलेक्शन का आपका बड़ा अच्छा रोल था मैं चाहूंगी कि पहले आप उसका जिक्र करें सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेहरान टीवी का लाल साईं तो संदीप डाडी खूब जी जी सभी का पहले तो सभी थैंक यू सो मच वंस अगेन मेहरान टीवी जो जिकी आऊं गाल शेयर करण वारो है इंतहाई असा खुशी थे थी उन शे के अचीव करण लाए मेहरान टीवी जो को सिंध में जो को मीडिया है उन काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया है खुशाइन गाल ही बुधाया सिंध में जो इलेक्शन थे मानू के राय दही जो इख्तियार दिनो वो भले कोई कुछ भी प्रोसेस रहे हो जे पर आऊं सिंध वासियन के एक गुड न्यूज़ दिया तो इन इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में तारीख में पहले भेरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज कसीर तादाद में बाहर निकता जो इनविजिबल हुआ तो अस इलेक्शन का 4-5 महीने पहले कंपेन हलई कि अस पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बाहर कढ़ी उन्हें मोबलाइज कर वोट की अहमियत बुधाए उन्होंने अस पोलिंग बूथ से खड़ी वनू ताकि वो पाँच राय जो इजहार कर सी पसंद के नुमाइंदे के चूंडी सन तो अलहमदुल्ला सिंध में इन 2024 में तवा इन एक मीडिया जे मेहरान टीवी जे तवसु सा मीरान में मेहरान टीवी जो बड़ो किरदार है एकड़ी रेवोल्यूशन आई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज में बाहर निकता है उस उन्हें में असाजी माओ भेणू जेको पर्सन विद डिसेबिलिटी कदे विजिबल कोन हुंदियूं त एकड़ी खुश आईन गाल है सांगड़ लाए हैदराबाद लाए लाड़काने लाए पूरे सिंध लाए के
35 मिलियन पर्सन विद डिसेबिलिटी में काफ़ी रेशियो बाहर निकितो ऐं पंहिंजी राय जो इज़हार कयो ऐं असां जी जेके ऑर्गनाइजेशन इन में त हिकिड़ो कमु सुठो ई कयो असांजी पंहिंजी गाॾियूं विथ अटेंडेंट सर्विस आइडेंटिफाई पहिरें कयोसीं पोइ उन वोट वारे ॾींहुं को पार्टी जो न असांजी पंहिंजी गाॾी वियूं उनखे घरां खणी अची वोट ॾियारियोसीं त हीअ ह्यूज चेंज आहे ऐं हिन मुल्क जी तकदीर बदिलाइण में ॾिसो हर माण्हू किरदारु अदा कंदो पर तव्हां ज़ाहिर क़ाबिल तारीफ़ आहे क़ाबिल तहसीन आहे बिल्कुलु दादा साईं आपने किस तरीक़े से इलेक्शन का दिन को इंजॉय किया अला सबसे पहले मेहरान टीवी का बहुत मशहूर हूँ डेरा ज़ियात मनना डेरा शुक्रिया तासो मशहूरी मां क्योंकि पठान हूँ पख्तून हूँ इसलिए थोड़ा सा जो है वो पश्तो का टच भी देना पड़ता है फिर आप ट्रांसलेट भी करते जाएं ताकि हम और हमारे व्यूअर्स समझ बस तो ऑलरेडी मैंने उर्दू में कह दिया था तो पश्तो में उसकी तर्जुमानी की जबरदस्त ये भी ठीक सिंगाल पे कई से राइटर साहिल हुआ तो हमने एक बात की थी कि हमारे सियासतदान जिस मुल्क में भी जाते हैं अंग्रेजी जाके बोलते हैं और जो बाहर से आते हैं मतलब जहाँ भी जिस मुल्क में भी आप जाएंगे वहाँ का जो नुमाइंदा जिस लैंग्वेज का होगा ना लोकल वही बोलेगा वही बोलेगा आपको हाथ मिलाएगा कि आपको उसी लैंग्वेज में चाइनीज का होगा तो चाइनीज में भी वो करेगा जी जी असल में और अलामा इकबाल साहब जी हाँ हमारे कौमी शायर बिल्कुल अपने एक शेर में फरमाते हैं जी हाँ कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओ बेशक 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 कमाल कमाल ये इस वास्ते है कि आपको अल्लाह ताला ने एक मुल्क दिया है जिसमें पहाड़ हैं दरिया है रेगिस्तान है सारे वसायल से माला माल मुल्क आपको लोग मिले हैं कौमें मिली हैं पठान है सिंधी है पंजाबी हैं डिफरेंट कल्चर्स हैं जी हाँ अगर आप अपने कल्चर को एक साइड पे करते हैं और दूसरे के कल्चर के पीछे भागते हैं दूसरे की जबान के पीछे भागते हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहती बेसिकली एज ए पख्तून मैं पख्तून होने पे मुझे फ़ख्र है मुझे अपनी जबान पे फ़ख्र है मैं खुर्शीद आलम खुर्शीद मुझे अपने नाम से भी प्यार है इसलिए मैंने डबल खुर्शीद ये तो आते ही मैंने पूछा खुर्शीद और फिर खुर्शीद क्यों कहते हैं कि अगर आपसे कोई अपना नाम छीनने की कोशिश करे तो आप दूसरी बार लगा दो तो तायरा जो है तायरा अगर किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं ये लगा दूंगी जो डिसेबिलिटी है ना जी हाँ असल में उसका नाम जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है उसका नाम डिसेबिलिटी में हाइड हो जाता है छुप जाता है जी लाइक अगर फिजिकली डिसेबल है तो सोसाइटी उसको डिसेबिलिटी के नाम से पुकारता तो वालिदैन ने जो नाम रखा होता है जी हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अपनी मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारो और बेहतरीन नाम बेशक उसका अपना नाम है बेशक उसका जो माँ बाप ने उस पर रखा हुआ है खुर्शीद का माना है रोशनी देने वाला सूरज और अपने नाम के तराई किरदार होना चाहिए बंदे का दूसरों के लिए भी रोशनी सिर्फ अपने लिए जीते नहीं है दूसरे के लिए भी जियो दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करो तो हमारी जिंदगी का मिशन यही है कि हम आसानियां बांटें जबरदस्त और जो बैरियर्स हैं जी ठीक है कमियां हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कमियां हैं मैं तकरीबन 9-10 ममालिक घुमा हूँ डिसेबिलिटी के हवाले से मेरी ट्रेनिंग्स है एक्सपोजर्स है और जो सबसे चैलेंजिंग थिंग है वो यही है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ मतलब मैं किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में ड्यू टू माई डिसेबिलिटी रेगुलर नहीं जा सका मैं तकरीबन आप यूँ कह लें कि 2001 से घर से मेरी पहली बार बाहर आना मुमकिन हुआ क्योंकि मेरा घर एक पहाड़ी पे है आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा सारी पहाड़ी रहे हर घर को रोड की फैसिलिटी मुयसर नहीं है हमारे पूरे गांव को मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी शेयर करें और यकीनन नाज़रीन चाहींदमि लाल मोहम्मद साहब जॾहिं बि असां जे हिन अंगण ते आया आहिनि त उन्हनि खां पाण उन्हनि जी जर्नी जे हवाले सां पुछियो आहे अॼु खुर्शीद आलम खुर्शीद साहब असां वटि मौजूदु आहिनि के पी के सां वाबस्तगी आहे मैं सर इहे एड करणु चाह रही हूं त के पी के में हिननि लॉ पास करायो आहे डिसेबिलिटी लॉ
या तमाम वड़ी गाल है, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर आपका बहुत बड़ा काम है जी, आप कंटिन्यू करें आपकी जर्नी, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल उतना ही जी, मैं डाडो साईं मतलब ये लगो थे कि फिल्म असान सुबह आप जी, जी, वहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको पहाड़ी पे घर पूरे गांव में आपको रास्ता नहीं है। हाँ, तो इस वजह से एजुकेशन हासिल करना, गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम है नहीं कि ऐसे लोगों को एजुकेट करें या ऐसा कोई सिस्टम हो ताकि वो घर घर में जाके डिसेबल जो हमारी कम्युनिटी है, बच्चे हैं, उसको एजुकेट करें, क्योंकि उसका घरों से निकलना मुश्किल है। स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स हर डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, सही। और अगर है तो उसमें हॉस्टल नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं है। तो एक गरीब का बच्चा जो डिसेबल हो, उसके पास इतने वसाइल ना हो, वो किस तरह अपने बच्चे को पढ़ाएगा, किस तरह घर से निकलेगा? तो यही रीज़न थी 2001 से 2001 तक मैं घर पे रहा, और जब रोड की फैसिलिटी आई तो घर से बाहर निकलना मुमकिन हुआ, और तब मुझे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। यानी नाम के हवाले से जी, घर में तो मैं खुर्शीद आलम था, लेकिन जब बाहर निकला तो लोग मुझे मेरे डिसेबिलिटी से पुकारने लगे, क्योंकि मैं बहुत अरसा तक सिर्फ मैं म्यूज़िक और शायरी और किताबें मैं अपने आप से पढ़ लेता था, क्योंकि तन्हाई थी, उससे मेरी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज में इंक्रीज हो जाती थी। तो शायरी थोड़ी बहुत कर लेता था, लेकिन मेरा कोई शायरी में भी उस्ताद है नहीं, पश्तो में शायरी कर लेता हूँ। और इस वजह से मैंने अपना तखल्लुस भी खुर्शीद आलम खुर्शीद रख लिया। अच्छा लाला, आप एक दिन भी स्कूल नहीं गए? नहीं। तो एजुकेशन आपने किस तरीके से हासिल की, घर पे बैठ? घर पे वालिद साहब पहले उन्होंने जो है वो फिफ्थ तक पढ़ाया जी, फिफ्थ के बाद खुद से किताबें पढ़ना शुरू की सेवन्थ तक, और फिर प्राइवेटली एग्जाम दिया टेंथ का, और इसके बाद प्राइवेटली पढ़ते 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 मास्टर कर बेटा पश्तो में। जबरदस्त जबरदस्त तारा सांट सांट कॉल आए हैं, कॉल से पूछो के रहा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तमा के संभलीकार चऊं था, अमा पेंजो नालो बुधाए जो, ई यो भी बुधाए जो, तो तमा किथा का असा वट शामिल थे आए हो? जी जी, लाल मोहम्मद बलोच साहब वट तहां जो आवाज अचे पयो, तहां गालाए सगो था? सलाम तो आपसे लगा के गबा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। नालो अदा? हेलो अदा, तां पे जो नालो बुधाए जो। अर्शद लगारी जी, अर्शद लगारी साहब जी। अर्शद 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 जी 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 जी, तां जो छा सवाल है सर्जन बुधन पया? नालो साहब सार बाबा खैरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र। एहसान बाबा? लाल साहब जी बाबा, शायद टेक्निकल आवाज जो मसलो है, शायद लाइन मुनकता थी वही है। तानी वरी मेहरबानी प्यारा, ता फोन कई लाल साहब के साथ ता गाने पे चायो। ता वरी मेहरबानी सर जी, आप बता रहे थे कि आपने मास्टर्स जो है घर पे प्राइवेटली किया। प्राइवेटली किया है, और डिसेबिलिटी मूवमेंट में 2003 से मैं इन हुआ, उसकी भी एक स्टोरी है। सही, मैं चाहूंगा कि पहले आप इस मूवमेंट का थोड़ा सा हमें बताएं कि डिसेबिलिटी मूवमेंट क्या थी, उसमें कौन लोग थे और कहां से स्टार्ट हुई, ये मशाल कहां से रोशन हुई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं केपीके की तरफ से जो है ना वो जी, बात करना चाहूंगा, क्योंकि डिसेबिलिटी मूवमेंट में पहले हमारे सीनियर्स भी 1996 और 1992 से जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन क्या कर रहे थे। यही जस्तजू डिसेबिलिटी मूवमेंट में हमें ले आई, क्योंकि जब हर तरफ से हमें ये दिखने लगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस अनएक्सेसिबल हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वॉशरूम में हमारा जाना जो है मुमकिन नहीं है, लोग हमें बुरे अलकाबात और नामों से पुकारते हैं, उसका रवैया जो है वो तहज़ीक आमेज हैं, हंसते हैं हम पे हमारी डिसेबिलिटी पे, तो इस वास्ते जस्तजू जो है वो क्रिएट हुई कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ कहाँ पर है, क्या है। तो इसी जस्तजू, क्योंकि मैं सिंगिंग भी थोड़ा बहुत जो है वो नातवानी करता हूँ, इसके अलावा सिंगिंग में आवाज़ थोड़ी सी अच्छी थी इसलिए हाँ, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम था उसमें जी, और वहाँ पर मुझे एक डस्कन लीडरशिप ट्रेनिंग जापान में होती है,
उसके मुतालिक मैंने सुना, दिल में एक ख्वाहिश उभरी कि चलें अप्लाई कर लेते हैं, मालूमात लेते हैं, डिसेबिलिटी के हवाले से कुछ नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को लेके इस्लामाबाद तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में मुझे डिसेबिलिटी मूवमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की है। डिसेबिलिटी मूवमेंट असल में होता क्या है, ये पीपल विद डिसेबिलिटीज अपने हकूक के लिए खुद स्ट्रगल करती है, जिस तरह जापान में हुई है, जिस तरह यूएस में हुई है। कवानीन के देखें, ज्यादातर हमारे जो कंट्रीज हैं जहां पर तरक्की नहीं है, जहां पर अभी कवानीन बन रहे हैं, उसमें मॉड्यूल क्या है, चैरिटी मॉड्यूल है। जी हाँ, मतलब हाँ। जो मजदूर हुआ तो उसको खैरात ज़कात दो, 100-200 रुपए, कोई परमानेंट कोई सपोर्ट नहीं है कोई। हम ने जो सीखा है जापान में, मैं ट्रेनिंग में गया था तो वहां पर जो सीखा है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को डिफरेंट कबाइल में पैदा किया है, उसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसके कद काट मुख्तलिफ हैं, उसकी बॉडीज का शेप मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह डिसेबिलिटी जो है, किसी हाथ का या पाँव में कमजोरी होना, ये डिसेबिलिटी नहीं है। असल में डिसेबिलिटी व्हीलचेयर पे, मैं बैठा अभी भी मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, तो लाइक अगर शॉपिंग मॉल है और या कोई रास्ता है, हम व्हीलचेयर पे जा सकते हैं बिल्कुल फ्रीली विदाउट एनी अटेंडेंट। लेकिन जहां पर 3 इंच का बैरियर आ जाए तो हमारी व्हीलचेयर वहां पर जा नहीं सकती। तो डिसेबिलिटी कहां पर आ गई, डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गई। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां जहां बैरियर्स हैं उनमें से डिसेबिलिटी को निकालना है। जबरदस्त, इंसान में डिसेबिलिटी को निकाला नहीं जा सकता। मैंने तालीम प्राइवेट इसलिए हासिल की है कि बैरियर्स थे, फिजिकल, जियोग्राफिकल और जो शऊरी तौर पर बैरियर्स हैं, डिसेबिलिटी है। आम इंसान आपको बिल्कुल नॉन डिसेबल नजर आएगा, हाथ पांव सलामत, आंखें सलामत, कान सलामत, लेकिन उसकी सोच में इतनी डिसेबिलिटी होती है कि आप जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने सोच की बात की, तो सोच की तो इस मुल्क में बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है। बहुत खूबसूरत आपने बातें की, बहुत ही मतलब कि इम्प्रेस करने वाली, बहुत ही आप मतलब एम्पावर वाली इंसान। एक छोटा सा ब्रेक, हम ब्रेक के पास बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, क़दाम नवन जो खोड़ गालियूं करणियूं आहिनि, खोड़ ख़बरूं आहिनि, ऐं प्रोग्राम ॾाढो सुठो थियण वारो आहे, या रेडियो ते बि शख़्सियतूं अचण वारियूं आहिनि। सो पाण हिकु नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था। काॾे न वञो, ॾिसंदा रहिजो सुबुह महिरान। नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर सुबुह महिरान में भलीकार ताहिरा जी, केतिरियूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बि थियनि। बिल्कुलु, हा। ऐं अॼु वेहंदे, अॼु मतिलबु प्रोग्राम में जॾहिं वेठा आहियूं, हूअं बि मूं त खोड़ सारा प्रोग्राम अटेंड कया आहिनि। मां त सेंटर ते वेंदी रहंदी आहियां, तिन्हनि जा अवेयरनेस सेशन्स मूं अटेंड कया आहिनि। अॼु तव्हांखे ॿुधंदे ॾाढो, बिल्कुलु तव्हांखे मोस्ट वेलकम। असांजे डायरेक्टर साहिबु, उन्हनि खे बि असां इनवाइट कंदासीं, पाण सभु पंहिंजी महिरान जी टीम हलंदासीं। ऐं हिकिड़ो कुझु ॿ टे सेगमेंट्स मूं चाहियो पिए काफ़ी टाइम खां, त उते हली करे पाण रिकॉर्ड कयूं। सो हींअर न्यू ईयर में असां इहो चाहींदासीं, 2024 ऐं नओं साल आहे, त इन में असां इन पंहिंजे प्लान खे ज़रूरु चवंदा आहिनि न, त हक़ीक़त वारी शकल ॾींदा इनशाह। हलंदासीं असां उते हली, उन्हनि सां ॿारनि सां गॾु उते प्रोग्राम कंदासीं। केतिरा ॿार आहिनि सेंटर ते? साईं, असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह 50+ बिल्कुलु बिल्कुलु। असां पंहिंजो असांजे डायरेक्टर साहबु चवनि था त प्रोग्राम खे जेको थोरो लाइट कयो, हुननि खे को पश्तून मां ख़्वाह मां फ़ोनूं अचनि पियूं त असांखे शायरी ॿुधणी आहे, त पहिरीं असां साईं जी शायरी ॿुधी वरी वापसि तव्हां ॾे अचूं था। सो खुर्शीद आलम खुर्शीद साहब, अब हमें सर केपीके से कॉल्स आ रही हैं कि हमें शायरी सुननी है, वो भी पश्तो में, और आप पश्तो में शायरी सुनाएंगे, उसके बाद आप ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमें भी समझ आए, ताकि हम भी समझे ना कि हम कैसे वो करेंगे। अब के बिछड़े तो हम शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। हाँ जी हाँ, जबरदस्त। वो तो फिर आप तरन्नुम में पढ़ेंगे ना? जी, वाह 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 वाह। और इसके बाद आपने बिल्कुल बात की, मुझे खुशी होगी कि
बिल्कुल 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 बिल्कुल। अदनान सिमी खान का एक हमदी बारी ताला उन्होंने जी है खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सब का तू रहनुमा है खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सब का तू रहनुमा है खुदा खुदा। हर सहर पूछती है नए रंग से सब्ज़ा गुल खिले सीने संग से हर सहर पूछती है नए रंग से सब्ज़ा गुल खिले सीने संग से है खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सब का तू रहनुमा है खुदा है खुदा है खुदा। खूबसूरत आवाज़ सही आवाज़ एकड़ो हुंदो आ तां बुधना आयो ठीक आ उनमें सुर हुंदो आ पर कुछ आवाज़ एड़ा हुंदा जिन में सुकून हुंदो आहे त तां जे आवाज़ में सुरूर भी आहे सुकून भी आहे माशाल्लाह। बिल्कुल लाल साईं तां डेटा जे हवाले सां बुधायो पियो चाहींदमि त तां प्लीज़ बुधायो त सिंध में केतिरा पर्सन डिसेबिलिटीज़ में आहिनि ऐं स्कूल्स में केतिरा आहिनि स्कूल खां ॿाहिरि केतिरा आहिनि। सर हम चाहेंगे थोरा चार्टर के हवाले से आप बात करें। बेशतर असां ज़िक्र कंदा आहियूं की सिंध में जेके 90 लख पर्सन विद डिसेबिलिटी आहिनि घणा 90 लख सिंध में या ओवरऑल सिंध में पाकिस्तान में 3.5 करोड़ आहिनि। अच्छा अच्छा अगरि असीं ॻाल्हि कयूं पंजाब जी त थोरी घणी अवेयरनेस हुई हुते जी हां पर सिंध में हालात काफ़ी ख़राबु हुआ जीअं पहिरां ख़बर आहे असां वियासीं ॾीघान भरड़ी वियासीं असांखे ख़बर पई हिते पाणी जेको सैलाब आयो न उते 8-9 फुट मथे सैलाब आयो त जेके हलंदड़ माण्हू हुआ पेरनि खां हलंदे हलिया पिए त हू बि वेही विया हुन में त जॾहिं असीं एतिरी वॾी फिगर था चऊं जेको 3 फुट 2.5 फुट 2 फुट जो जेको वेहंदड़ सां उन साल छा थी वेंदी। अच्छा पोइ जॾहिं असीं 90 लख जी ॻाल्हि कयूं था न त इन सेंट्रल जो गवर्नमेंट जा हुआ असां उनखे भरोकूं था चयूं पर हिकिड़ो विजन कोन हो हिकिड़ो ख़्वाब ॾींदा कोन हुआ को रस्तो उनखे ॾिसंदा कोन हुआ। इंडिपेंडेंटली बि छा करे थो तव्हांखे ख़्वाब थो ॾिए 90 लख माण्हुनि खे वेरी फर्स्ट टाइम ॾिसो हाणे गवर्नमेंट त कोन कयो आहे हीउ जेको लॉ पास थियो इंप्लीमेंट केरु करायो इन व्हीलचेयर वारो सिंध में हिनखे इंप्लीमेंट करायो की भई हाणे इलेक्शन था थियनि पिया सॼा सिंध वासी इलेक्शन में हिसा वठे हिसो वठनि पिया पाकिस्तान वासी हिसो वठनि पिया पर्सन विद डिसेबिलिटी जो ज़िक्र ई कोन हुन में। असां सॼी सिंध जी बैठक कईसीं ॻाल्हि कयोसीं सखर में लवाशा में मीरपुर ख़ास में लाड़काना में कराची में छा थींदो अफराद माज़ूरी जो कीअं वेंदा वोट ॾियणु अगरि वोट तव्हां तव्हां विनिंग आहियो की अचनि वोट ॾियण लाइ खणी करे ईंदो उन्हनि खे अवेयरनेस केरु रेस कंदो पोइ असां सॼे सिंध में अवेयरनेस प्रोग्राम कया हैदराबाद में कराची में सखर में लाड़काना में उन वोट जी अहमियत ॿुधायोसीं असां 90 लख माण्हुनि खे एक्सक्लूड करे असां सिंध कीअं तरक़ी कंदो
90 लख जो मतलब ही हुंदो आहे कि अने मापी भेण भाव अजीज व करीब सजो मिल तो सजो सिंधी ही हुंदो आहे बिल्कुल सही अगर हु परेशान न त वेरी फर्स्ट टाइम को कमी थियो 90 लख मानन में असा ही तो खुद जो सजे 90 लख असा अवेयरनेस दी छडी पर के एकरी सुठो कमी थियो पाकिस्तान दी तारीख में बेहतरीन कम को सिंध में सिर्फ थियो है कि असा अवेयरनेस न्यूज असांजी पंहिंजी गाॾियूं निकितियूं सूं आइडेंटिफाई करण खां पोइ उहो हमराह जेका जंहिंजी मोबिलिटी जो वॾो मसइलो हुनखे खणी आयोसीं बाइज़त तरीक़े खां अटेंडेंट विया पोलिंग बूथ में रैम्प्स जो सभिनि खां पहिरियों असांखे डिमांड ई कई चाहे इलेक्शन कमीशन सिंध हुजे इलेक्शन कमीशन हैदराबाद हुजे असां 12 मीटिंगूं कयूंसीं ऐं असां इन मौक़े ते थोरा कयो आहियूं इलेक्शन कमीशन सिंध इलेक्शन कमीशन हैदराबाद उन असांजी ॻाल्हि खे मञियो ऐं हर पोलिंग बूथ में असांखे रैम्प नज़र आया पिया ऐं वेरी फर्स्ट टाइम जेको प्रेज़िडेंटिंग ऑफिसर हो स्टाफ हो अवेयर हो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अगरि अचे थो उनखे असांखे डील कीअं करिणो आहे जबकि कानून में इहो उन्हनि लाइ अलॻि बूथ ठहंदो हाइट जे हिसाब सां उहो ठहंदो सुठी ॻाल्हि ई थी आहे पहिरियों असां परेशान हूंदासीं कि यार सिंध में अवेयरनेस माण्हू पर्सन विद डिसेबिलिटी वेठा आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगी में ऐं जानवर जी ज़िंदगी में फ़र्क़ु कोन हो अलहमदिल्ला हीउ कमु जेको शुरू थियो कराची खां हैदराबाद हींअर तव्हांखे ख़ुशख़बरी असीं ॾियूं असां हिकिड़ी हिकिड़ी जॻह घोटकी में वरिती आहे ऐं उन में बहितरीन हिकिड़ो सेंटर ठहे पियो घोटकी में तॾहिं मतिलबु इंटीरियर सिंध बि पंहिंजो कवर थी वियो हिकिड़ी चेंज आयो असांजो चवणु शुरू खां ई हुयो की असां तव्हांखे अगरि डिसेबिलिटी में पर्सन विद डिसेबिलिटी जी ज़िंदगी में चेंज खणी अचिणो आहे त चेंज विल कम थ्रू पर्सन विद डिसेबिलिटी छो असांखे ई ख़बर आहे की असां जॾहिं हलंदा त मसला कीअं हूंदा आहिनि जीअं अधु अधु ख़ुर्शीद ॻाल्हि कई की मसा असांजी माज़ूरी उतां शुरू थींदी आहे जिते बैरियर शुरू थी वेंदो आहे त बैरियर खे खणी चोहतरि साल तारीख़ में कॾहिं पर्सन विद डिसेबिलिटी एतिरी वॾी तादाद में न विया पए हिकिड़े तव्हां रैम्प की ठाही निकिरी वियो माण्हू त इट मीन्स की असां दानिस्ता ना दानिस्ता तौर ते ज़िमेदार असांजी सोसाइटी आहे हिकिड़ो रैम्प ठाहिण खां ज़िंदगी चेंज थी वई असां चवंदा आहियूं की असां चवंदा आहियूं की भई इनखे असां मोबिलाइज़ कीअं कयूं इम्पावर कीअं कयूं ॻाल्हि सच छा आहे पोइ कंहिं ॿुधायो इन पर्सन विद डिसेबिलिटी ॿुधायो असांजो मसइलो हो जिस्म में कोन आहे सम्झो हिकिड़ी ॻाल्हि खे असांजो मसइलो सिर्फ़ु इंफ्रास्ट्रक्चर आहे 70 साल लॻी वियो असांखे सम्झाइण में सही ॻाल्हि हा बाक़ी ख़ुशि आइन ॻाल्हि आहे एॾे इलेक्शन में वॾो सुठो हिकिड़ो फीडबैक आयो पर्सन विद डिसेबिलिटी ॿाहिरि निकिता उन पंहिंजो किरदारु अदा कयो एम पी एम एन एस खां जो नॉमिनेशन माण्हू हुन सां गॾु एक्टिविटीज़ कयूं ख़ुशी सभु आप मुख़्तलिफ़ ममालिक में गए हैं वहां पे आपने ज़ाहिर देखा होगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कौन से हक़ूक़ हैं किस तरीके से वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बाद जब आप पाकिस्तान में आते हैं एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो फिर एयरपोर्ट पे आपको व्हील चेयर भी जो है जब तक आप चिल्लाएं नहीं तब तक आपको नहीं मिलती उसके बाद आपको रैंप ढूंढा जाता है उसके बाद ना आपकी अलग लाइन है ये तो सिर्फ एयरपोर्ट से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ना फिर आगे तो देखे ना आगे आगे देख होता है क्या वाला जो सीन है दोनों सोसाइटीज का डिफरेंस आप शेयर करें मैं चाहूंगा कि आप तो एक शेयर करें दूसरा ये कि जहाँ पे भी मतलब अब तो ये भी आपकी मेहनत है कि पाकिस्तान में एक कानून है कि जब आप पार्क बनाते हैं तो उसमें रैंप लगाएं अलग जो है उनकी लाइन बनाएं बैंक में उसमें अलग बनाएं सोसाइटी का आप हिस्सा हैं अब वो सोसाइटी आपके साथ क्या बिहेव करती है बड़ा अच्छा सवाल किया है थैंक यू असल में जो सबसे बड़ी डिफरेंस है जी हाँ वो ये है कि पहले तो कानून नहीं था सही पाकिस्तान में पीपल विद डिसेबिलिटीज का कोई एक्ट कोई नहीं था मतलब आप यूं समझें कि जो ज़ियाउल हक ने 1981 में एक पॉलिसी बनाई थी ज़ैन ज़िया उसकी बेटी भी स्पेशल नीड्स हैं तो इनके वेलफेयर के लिए एक पॉलिसी बनी थी उसी को ये एक्ट समझ रहे हैं हमारे केपी में उसी को एक्ट समझा जा रहा था आमादा नहीं थी उसको चेंज करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट बस हमारी जो UNCRPD यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है पीपल विद डिसेबिलिटीज के हवाले से उसके लाइट में जो एक्ट बना है हम सारे जो डिसेबिलिटी मूवमेंट के हमारे दोस्त हैं और इस तरह डिपार्टमेंट्स हैं और बाहर से भी तो सब ने मिल के एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें सिबिट कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इसी तरह जो WHO थे इसको इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे
हमारे 95% और 99% आई डोंट नो, लेकिन अंदाजा यही है आपके एजुकेशन सेंटर्स नॉन एक्सेसिबल। सही जी जी, नॉन एक्सेसिबल। उसकी वॉशरूम जो है कोई भी व्हीलचेयर यूजर यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रांसपोर्टेशन, अब मैं दीर से अपनी गाड़ी में, टैक्सी गाड़ी में यहां तक आया। क्यों आया? क्योंकि मैं बस में चढ़ नहीं सकता। द डिफरेंट इज अमेरिका के बस में और पाकिस्तान के बस में यही फर्क है कि उन्होंने बस से डिसेबिलिटी निकाली हुई है एक्ट के जरिए, और हमारे बसों में अभी तक वो डिसेबिलिटी है। सही बात है। उनके बसों में एक रैंप निकल आती है, एक स्लोप निकल आती है। आप अपनी व्हीलचेयर पे अपनी मतलूबा नशिस्त जो फोल्ड हो जाती है वहां पर जाते हैं, ड्राइवर आपको बाकायदा गाड़ी रोक कर उतर कर आपको वहां पर बेल्ट बांधते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आपकी सीट में कोई बैठा हुआ है उसको उठाते हैं, ये इन लोगों का सीट है। यहां पर हमारे लिए घाड़ी कड़ी नहीं होती। हम आप अगर हमने ऑब्जर्व किया है, अपना तजर्बा शेयर करते हैं, हम खुद भी एज अ व्हीलचेयर यूजर, सड़क के किनारे आप खड़े हो जाएं, 100 गाड़ियों में से 99 गुजरेंगे और वो जो एक जो है वो खड़ा होगा वो भी कोई हीले बहाने करके, और अगर फर्ज करें आपको ले जाएगा भी तो आपसे दुगना किराया मांगेगा। और वो ये भी कहे कि आप जो है आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आप ये सब बिचारे हैं, ये है वो है, इस वजह से मैं आपको कम बता रहा हूं। आपको पता भी होगा कि फला जगह 300 लगते हैं, ये मुझसे 800 रुपये मांग रहा है, 700 रुपये मांग रहा है, और फिर भी कहे कि आपकी वजह से मैं कम ले रहा हूं। तो इट इज द डिफरेंट। एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। मैं मैनहैटन में बाई बस क्वींस जा रहा था, वो भी एक एरिया का नाम है। बिल्कुल न्यूज़ ब्रेक आ गया, हम अच्छा। यही सी बिल्कुल सूबन में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन जो बेहर गणप जो दरख्वास्त उन्होंने जो बुधड़ी आई बया केतरा ही मामला खबरू आन पार्टी जहाँ अजलास हलूँ तो न्यूज़ ब्रेक ना न्यूज़ स्टूडियो में ऐसी अचूँ तो खबरू कड़ी कदम नो वो जल्दी वापस अचूँ सुबह में रान में रहो सुबह में रान। नाज़रीन सुबह मेहरान में एक बार बेहर भलीकार तहरा मुख्तलिफ़ खबरों तबरू बुधियं पार्टी जहाँ अजलास इलेक्शन इलेक्शन आई लगे पाँ फेज में हलूँ पा। सो ये सूरत हाल है, बरसात जो खबरू अचन पे मुख्तलिफ़ शहर में जिते जिते वसन पे मेहरान टीवी जो दोस्त रिपोर्टर्स हजरात वो बुधान पाया तो इतने भी बरसात, इतने भी बरसात। अड़ी रीत सीनियर सियासतदान अब्दुल अजीज जुनेजी साहब के लाडाने से भी उन्होंने ताजियत जो खबरू अच्छी उन बयान अची आया मुख्तलिफ़ सियासतदान जहाँ मुख्तलिफ़ दोस्त की सालगिरह है जिन जिनकी भी सालगिरह है उनके जन्मदिन जो खोड़ वाधाई खास कर शायर कंपेयर रिजवान गुल अलावा अस नौजवान दोस्त वकील अहमद नवाज इंकलाबी उनको भी जन्मदिन है तिन्हीं दोस्त के सवा जिन जिन जो भी जन्मदिन है सभी दोस्त के जन्मदिन जो लख लख वाधाई होजन अड़ी रीत अस रेडियो के आलमी ढी के भी मल्हूँ पा। रेडियो जो आलमी ढी है अज रेडियो की जो उरूज जवाल जो दोस्त अस नाजरीन दिसन पा जिनके रेडियो के बारे में खबर है उन्होंने किए रेडियो पाकिस्तान जो उरूज दिठो कड़ा कड़ा फनकार उत दिठा कड़ा कड़ा अदाकार दिठा कड़ा प्रोड्यूसर दिठा जरूर उनके सामू एक जहन में एक फिल्म सामू अची वी हूँ कहे ऑडिशन के जरिए अलावा खालिद चांडियो प्रोड्यूसर शायर उन्होंने जॉइन किया कचहरी रेडियो के हवाले से आलमी डी है जी बिल्कुल खालिद साहब तक भलीकार चूं ठीक आ खुश आयो तमाम घनी मेहरबानी मेहरान टीवी जे समूरे सत्स के मुझे तरफा सलाम जी तहां वालेकुम अस्सलाम ताजी मेहरबानी ता टाइम दिनो है रेडियो जो आलमी दी है ता रेडियो जी दुनिया सा ता जी वाबस्तगी है ता के पहली मुबारक उ दींदासी चाहिंदासी ता रेडियो बाबत गल हायो
जी तव्हां जी तमामु घणी महिरबानी। रेडियो जो आलमी दिहाड़ो जेको मल्हायो पियो वञे, दरअसल ईअं आहे त ही आवाज़ जी दुनिया आहे जिथे बे इंतिहा असांजे गणप खां बि वधीक जिन खे असीं ॻणे बि कोन था सघूं काउंटलेस माण्हू आहिनि जेकी रेडियो जी आवाज़ सां प्यारु कनि था, रेडियो जे माण्हुनि सां प्यारु कनि था, रेडियो जे आर्टिस्टनि सां प्यारु कनि था। ऐं हीअ जेको आवाज़ जो रिश्तो आहे उन्हनि सभिनी माण्हुनि सां, उहो मोहबत जो रिश्तो आहे। रेडियो जेको अबलाग जो ज़रियो आहे, जेको कम्युनिकेशन जो ज़रियो आहे, हूअं त रेडियो जेको बरे सगीर में जंहिंजी जेका इब्तिदा थी उहा 1935 में थी, ऐं जॾहिं हिन बरे सगीर में हिन ख़िते जी गॾियल हिंदुस्तान जो जॾहिं विरहाङो थियो हो त टे रेडियो स्टेशनूं पाकिस्तान जे हिसे में आयूं हूं। उन्हनि स्टेशननि जो ज़िक्र करणु इन करे बि ज़रूरी आहे छाकाणि त हीअ असांजी इब्तिदा आहे, हीअ असांजी तारीख़ आहे, हीअ असांजो इतिहास आहे। पिशावर, लाहौर ऐं ढाका ही टे स्टेशनूं हुयूं जेके पाकिस्तान जे हिसे में आयूं हुयूं, ऐं उनखां पोइ जॾहिं असांजे मुल्क खे जो वजूद अमल में आयो, असांजे असांखे आज़ादी मिली उन्हनि गोरनि खां, उन्हनि अंग्रेज़नि खां जन असांजी धरती ते कब्ज़ो कयो हो, हिकु वॾे अरसे खां पोइ उन्हनि जी जॾहिं पुॼाणी थी त रेडियो बाक़ाइदे पंहिंजो उरूज हासिल कंदो वियो। कराची में रेडियो स्टेशन जो क़याम, हैदराबाद में, कोयता, रावलपिंडी, ईअं सॼे पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान जे तरफ़ां मुख़्तलिफ़ स्टेशनूं क़ाइमु कयूं वियूं। हैदराबाद छाकाणि त हिकिड़ो तारीख़ी शहर आहे सिंध जी, ईअं चइजे त दारुल हुकूमत कराचीअ खां पोइ ॿियो नंबर वॾो शहर आहे सिंध जो, त हिते 17 अगस्त 1955 में रेडियो स्टेशन क़ाइमु कई वई। इब्तिदाई जेके ॾींहं हुआ रेडियो हैदराबाद जी नशियात खे, होम स्टेड हॉल मां उनजी नशियात शुरू कई वई, ऐं बाद में जॾहिं हीअ इमारत जेका इमारत जिथां हाणे रेडियो हैदराबाद जी नशियात हले पई, दिसंबर 1962 जो इहो ज़मानो आहे जॾहिं उन नई इमारत में रेडियो खे मुंतक़िल कयो वियो। रेडियो असां जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि खे यादि करियूं जेके फ़नकार हिन रेडियो सां उन्हनि इब्तिदाई ॾींहनि में रेडियो सां शामिलु रहिया, उन्हनि में इब्राहिम नफ़ीस, हिमायत अली शायर, मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरेशी, क़ुर्बान जीलानी, सैयद सालेह मोहम्मद शाह, अनवर सोलंगी, महताब अकबर राशिदी, मुश्ताक चंगेज़ी, तमामु घणा नाला आहिनि जन पंहिंजे कैरियर जी जेका इब्तिदा आहे उहा रेडियो पाकिस्तान खां कई आहे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां ठीकु चई रहिया आहियो। अवां ॻाल्हायो पिया त अवां जे ॻाल्हाइण में बि हिकु रिदम आहे, ऐं मां सम्झां थी इहो बि रेडियो जो असरु ज़रूरु आहे त तव्हांजे ॻाल्हाइण में, या मूंखे थोरो रिदमेटिक मूंखे फील थिए पियो। अपीयरेंस न आहे, तव्हांखे ॾिसूं कोन पिया, पर तव्हांजे आवाज़ मां महसूसु थिए पियो। इहो रेडियो जो छा, इहो रेडियो जो जादू आहे? ही ॾिसो, आवाज़ जे ज़रिए असांजो माण्हुनि खे मोहिण जो अंदाज़ बि आवाज़ आहे, माण्हुनि में मोहबत विरहाइण जो अंदाज़ बि आवाज़ आहे, ऐं इन आवाज़ जे ज़रिए ई असां माण्हुनि ताईं तरबियत, तालीम, तफ़रीह पहुचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। मूं उन्हनि उन ज़माने जे इब्तिदाई ब्रॉडकास्टर्स खे आउं यादि करियां जन रेडियो हैदराबाद ते माना नशियात खे कामयाब करण में जन पंहिंजो किरदारु अदा कयो, डॉक्टर इलियास इश्की, एम बी अंसारी, अली मोहम्मद चागला, ग़ुलाम हुसैन शेख, ख्वाजा इमदाद अली, ज़ाहिद गलबाणी, उन खां पोइ वरी जेकी शामिल थिया जहांगीर कुरेशी, गुलहसन कुरेशी, नसीर मिर्ज़ा जहिड़ा माण्हू जन रेडियो खे बाक़ाइदे कामयाब कयो। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त ज़रीना बलोच जे कैरियर जी इब्तिदा रेडियो तां आहे। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त माई भागी खे दुनिया भर में मक़बूलियत ॾियण वारो रेडियो आहे। मोहम्मद यूसुफ, वहीद अली, सुर्या हैदराबादी, रुबीना कुरेशी, आबिदा परवीन, सिंगारली सलीम, रजब अली, बेशुमार नाला आहिनि। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन, उस्ताद मोहम्मद जुम्मन बिल्कुल, हा, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ खे आउं ज़रूरु यादि कंदुसि छाकाणि त हुनजी वर्सी आहे सुभाणे वारे ॾींहं ते, 1997 में असांखां हीउ अज़ीम गुलूकार विछड़ी वियो हो।
पर हुन जी जेका कैरियर जी इब्तिदा है रेडियो पाकिस्तान कराची खां थी ऐं पोइ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सां वाबस्ता थी वियो ऐं अनेक गीत हुन रिकॉर्ड कया। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा साईं, खालिद साईं, तव्हां पाण ख़ूबसूरत शाइर आहियो, तव्हांजे वालिद साहिब ज़ख़्मी चांडिया ख़ूबसूरत शाइर, तव्हां जिन जिन नालनि जो ज़िक्र कयो, पंहिंजो जेके फ़नकार, गुलूकार, सदाकार, प्रोड्यूसर्स, छा सबबु आहे जो रेडियो हाणे उहे नाला पैदा न पियो करे, असां बसि उन खां पोइ वरी अहिड़े का नई टीह खे बि उहो को मौक़ो न मिलियो आहे त ईअं पॉलिश थी वरी या उहा तरबियत, जेकॾहिं तरबियत जी ॻाल्हि कयूं त इहा बि उहो किथे फॉल्ट थियो आहे, असां छो भला वापसि रिवाइव छो न पिया कयूं? हीअं आहे न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ज़मानो आहे, मीडिया जो हिकिड़ो तमामु वॾो शोर आहे। जी हा, तंहिं ज़माने में जंहिं ज़माने में रेडियो ऐं पाकिस्तान टेलीविज़न हो, त उन ज़माने में ईअं हो त जेके माण्हू उन्हनि इदारनि ताईं रसी सघंदा हुआ उहे तमामु थोरा हुआ, उन्हनि जो तइदाद तव्हां सवन में चई सघो था। हींअर लखनि जे तइदाद में माण्हू आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ प्राइवेट चैनलनि ते पहुचनि था, मुख़्तलिफ़ रेडियो स्टेशननि ते पहुचनि था, परफॉर्म कनि था। हिकिड़ो शोर आहे टेलीविज़न ते, अॻे माण्हू ड्रामे जो इंतज़ारु कंदा, हींअर केर बि ड्रामे जो इंतज़ारु कोन थो करे, यूट्यूब ते वञी डाउनलोड करे पंहिंजी मर्ज़ी सां जेॾी महिल हुनखे फुर्सत मिलंदी त हू ड्रामो ॾिसंदो। सही। सो हिकिड़ो जेको मीडिया ई जेको शोर थी वियो आहे तमामु घणो, हिकिड़ो ही डिजिटल ज़माने में असीं रहूं था, उते सॼी जेका वेड़ आहे, जंग आहे, उहा आहे टाइम जी। सही सही। माण्हुनि वटि जेकॾहिं टाइम आहे त उहे सभु शयूं वेही इंजॉय करे ॾिसी सघनि था। माण्हू तमामु घणो मसरूफ़ थी वियो आहे ऐं वरी बि साॻियो ई ज़मानो तव्हांखे ऑडियो ॾांहुं मोटणो पवंदो, रेडियो ॾांहुं मोटणो पवंदो, वापसी करणी पवंदी, अहिड़ो मीडियम अख़्तियार करणो पवंदो जेको तव्हांजे ध्यान खे हेॾे होॾे न करे, तरबियत थींदी हुई जीअं ताहिरा ॻाल्हि कई, मतिलबु ॿार खां वठी न, ॿारनि जी ॿाड़ी जो प्रोग्राम पियो अचे, पोइ उन खां पोइ जेके हर उमिरि जो ॿार, हर औरत जे हुनजे मिज़ाज जे हवाले सां प्रोग्राम हूंदा हुआ, ड्रामा हूंदा हुआ, उन खां पोइ अचूं फतेह खान जी कचहरीअ ते, त पोड़ा हर उमिरि जो माण्हू उहा कचहरी ॿुधंदो हो, लाभ हासिल कंदो हुयो। ऐं मां इनमें एड कंदी हलां त जेके कंप्यूटर्स ईंदा हुआ उन्हनि जी बि ज़बरदस्त क़िस्म जी हिकिड़ी ट्रेनिंग हूंदी हुई। हाणे इहो सॼो माना असांखे ॾिसण जे लाइ न पियो मिले। बिल्कुलु, मुंहिंजो सवाल इहो आहे ख़ाली साईं त नौजवान हाणे वापसि कीअं अचे, कीअं स्पेस मिलंदो उन्हनि खे? जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया ऐं उहे जेकॾहिं रेडियो ॿुधंदा हूंदा त उन्हनि खे साॻियो ई उहा ॿारनि वारो प्रोग्राम बि ॿुधण जे लाइ मिलंदो हूंदो, उन्हनि सभिनी खे अॼु बि ओताक ॿुधण में ईंदो हूंदो, अॼु बि उन्हनि खे सुबह महिराण जहिड़ा प्रोग्राम, सुगंध जहिड़ा प्रोग्राम मिलंदा हूंदा, अॼु बि साॻे अंदाज़ में जेके रेडियो जा कंपेयर आहिनि उहे पंहिंजा प्रोग्राम कनि था। ऐं तव्हां हीउ उहो रेडियो आहे जिथे साॻिया प्रोग्राम साॻे अंदाज़ में नशे थियनि पिया, रेडियो साॻे अंदाज़ में नर्सरी खे तयार करे पियो वॾनि मीडियम्स ते वञण जे लाइ, टेलीविजन ते वञण जे लाइ, टेलीविजन ते परफॉर्म करण जे लाइ। अॼु बि ड्रामो रिकॉर्ड थिए पियो, अॼु बि म्यूज़िक रिकॉर्ड थिए पई, पर हाणे जीअं तव्हांखे ॿुधायो न त हिकिड़ो तमामु घणो शोर आहे न, तमामु वॾे शोर में नंढा आवाज़ तव्हांखे ॿुधण में थोरो ध्यानु त खपंदो न। जेकॾहिं तव्हां रेडियो खे अॼु बि ध्यान सां ॿुधो त रेडियो पंहिंजो कमु उहो ई साॻे अंदाज़ सां करे पियो जेको अॼु खां 30 साल अॻु में, अॼु खां 40 साल अॻु में कंदो हो। हाणे त डिजिटलाइज्ड बि थी चुको आहे, तव्हां वटि जेके कंप्यूटर ॻाल्हाए रहिया आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॾिसी बि सघो था पिया। बिल्कुलु ईअं आहे त तव्हां हींअर पंहिंजे मोबाइल ते वञी तव्हां हिकिड़ी रेडियो पाकिस्तान जी एप डाउनलोड कयो, त उते तव्हांखे रेडियो पाकिस्तान माना सॼे पाकिस्तान में जेकी बि स्टेशनूं आहिनि बिल्कुलु उहे तव्हांखे हिकिड़ी एप में मिलंदियूं। तव्हांखे इस्लामाबाद उते मिलंदो, तव्हांखे पंजाब जूं स्टेशनूं उते मिलंदियूं, तव्हांखे सिंध जूं छह। बिल्कुलु ठीकु चई रहिया आहियो ख़ालिद साहब, तव्हां जी तव्हां शायर बि आहियो त चाहींदासीं हिकिड़ो को शेर तव्हां लास्ट में ॿुधायो। शायर जे लाइ इहो तमामु ॾुखियो कमु आहे त हुनखे पर इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल सां शायर जे लाइ इलाही आसान बि हूंदी आहे, तव्हां वटि कुझु अहिड़ियूं चंद शयूं त सिलेक्टेड हूंदियूं न जेके एट अ टाइम तव्हां वटि माना बसि चओ त हाज़िर।
तव्हांखे जेकॾहिं वक़्तु आहे त आउं तव्हांखे ज़रूरु कोन को जी जी ज़रूरु ज़रूरु ॿुधायो। शायरी त हाणे असांजे रग रग में रतल आहे, छाकाणि त ज़ाहिर तव्हां शायर इब्न शायर आहियो, ज़ख़्मी चांडो तमामु वॾो नालो। साईं असीं पंहिंजे जज़्बनि जो इज़हार करे सघूं था, शायरी साईं असां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे सघूं था। बिल्कुलु तव्हांखे आउं हिकिड़ो शेर थो ॿुधायां, ही माज़रत सां ही ग़ज़ल जा कुझु शेर आहिनि त के दर्द आरज़ी हा के दर्द दाइमी हा, के दर्द आरज़ी हा के दर्द दाइमी हा, के दर्द आरज़ी हा के दर्द दाइमी हा, के दर्द इख़्तियारी के दर्द लाज़मी हा, ॿिए कंहिं कंहिंखे सोचजे हा, ॿिए कंहिं सां छा वञे हा, ॿिए कंहिंखे सोचजे हा, ॿिए कंहिं सां छा वञे हा, मुंहिंजे पुखे पई तूं, ॿिया सभु त वाजिबी हा। कमाल कमाल वाजिबी हा कमाल। ॿिए कंहिंखे सोचजे हा, ॿिए कंहिं सां छा वञे हा, मुंहिंजे पुखे पई तूं, ॿिया सभु त वाजिबी हा, अखड़ियुनि मां लुड़क ॼाणे छाकाणि तड़े कढियो थी, अखड़ियुनि मां लुड़क ॼाणे छाकाणि तड़े कढियो थी, तुंहिंजा ई नेण जानी मूं लाइ रोशनी हा, तुंहिंजा ई नेण जानी मूं लाइ रोशनी हा, पाड़ो पिरी ही तुंहिंजो काॾे छॾे वञा हा, पाड़ो पिरी मां तुंहिंजो काॾे छॾे वञा हा, पाड़ो पिरी ही तुंहिंजो काॾे छॾे वञा हा, रिश्ता गलियूं ऐं चारा मुंहिंजी त ज़िंदगी हा। रिश्ता गलियूं ऐं चारा मुंहिंजी त ज़िंदगी हा, ख़ालिद घुरे थो माफ़ी ग़लती अगरि कई आहे, ख़ालिद घुरे थो माफ़ी ग़लती अगरि कई आहे, आशिक निगाह वारा आख़िर त आदमी हा। वाह साईं वाह, या ग़लती न कयो आहे न साईं। ख़ालिद साईं प्रोग्राम जे हवाले सां छा चाहींदो मोहबत जो पैगाम ॾींदुसि त सहमत जो मुज़ाहिरो कजे, हिक ॿिए खे ॿुधजे, जेकर जेसी ताईं असीं हिक ॿिए खे ॿुधंदासीं न, हिक ॿिए खे सहंदासीं कोन, बर्दाश्त न कंदासीं, टॉलरेंस पैदा करण जी ज़रूरत आहे। शायर हूअं बि मोहबतुनि जो पैगाम ॾेई जान छॾाईंदा न, तव्हां उहो ई कमु कयो आहे। तमामु घणी हिकिड़ी माण्हुनि में तलखी अची वई आहे न, सभिनी रिश्तनि में तलखी अची वई आहे, जेका दूर करण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। सुबह महिराण जे हवाले सां कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदा? सुबह महिराण तव्हांजो प्रोग्राम आउं कॾहिं कॾहिं ॾिसी वठंदो आहियां, ऐं खोड़ सारा अहिड़ा सुठा माण्हू मिलंदा आहिनि जिन सां तव्हां कचहरियूं कंदा आहियो। जी हा, पंहिंजी शायरी ख़ूबसूरत ॿुधाई, पोइ आख़िर में हुन शायरीअ में हुननि माफ़ी बि घुरी। तमामु ख़ूबसूरत शायरी, हिकिड़ो ब्रेक आहे, तव्हां काॾे न वञो, असां वरी जल्दी सां वापसि अचूं था तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में। नाज़रीन सुबुह महिराण में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार, ऐं तव्हां रेडियो जे आलमी ॾींहं जे हवाले सां ख़ालिद चांडी जूं ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं ॿुधियूं। असां ईंदासीं पंहिंजे महिमाननि ॾांहुं वापसि। उनखां पहिरीं मां हिकिड़ी ख़बर तव्हांखे ॿुधायां त फैसलवाड़ा चयो आहे त वज़ीर आज़म जेको आहे शहबाज़ शरीफ थियण जा वधीक इम्कान आहिनि। सो ॻाल्हियूं आहिनि, ऐं इहो बि चयो वञे पियो त क्लियर मैंडेट कंहिंखे बि कोन मिली आहे, त इहो बि हिकिड़ो माना बहस जी तमामु वॾे जेको लफ़्ज़ विच में अची वेंदो आहे न, मख़लूत, मख़लूत में जेको आहे न, हर कंहिंखे जेको आहे न, हिक ॿिए ते शक हूंदो आहे। सो लाला खुर्शीद साहबु, आप बता रहे थे कि आपने किस तरीक़े से जो है आपने कानून पे अमल दरामद करवाया, और जब आप जो है बिहेवियर्स की बात कर रहे थे, बैरियर्स की बात कर रहे थे। नहीं, बेसिकली यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिका और पाकिस्तान जो कंपैरिजन होती है, जी हाँ, कि डिफरेंस सिर्फ कानून का है। जब आपका एक कानून हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हो तो डिसेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सही बात है। लाइक मैं अपने बस के ट्रेवल का एक वाक़या सुना रहा था, जी हाँ, कि मैं बस में जा रहा था
बल्कि खड़ा था, बस आ गई, रुकी। और वहाँ पर ये सिस्टम होता है कि एक लिफ्ट सा भी लगा होता है जो लॉन्ग ट्रेवल करते हैं बसें। ड्राइवर ने वो लिफ्ट जो है उसका बटन दबाया और लिफ्ट खुल के बाहर आ गई। खुल के बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो वो बीच में रुक गई, कोई खराबी थी उसमें। अभी उसमें और मुसाफिर भी बैठे हुए हैं। ड्राइवर कोशिश कर रहा है, तकरीबन इसमें लगता है तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। पाकिस्तान में एक मिनट जो है वो ठहरता नहीं है, सही। अगली बस से आ जाओ। लेकिन वहां पर ड्राइवर खड़ा है। एक बंदा नीचे उतरता है, मेरे कान में कहते हैं अंग्रेजी में कि अगर आप माइंड ना करें तो आप ड्राइवर से कह दें कि अगले 3 मिनटों में एक और बस आ रही है, मैं उसमें चढ़ जाऊंगा, आप इन मुसाफिरों को जो है आप जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये बात ड्राइवर ने खुद सुन ली। उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या बोल रहा है। मैंने अंग्रेज़ी में उसको बताया कि ये इसका मतलब, और मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। मैंने भी उसको बोला मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, मैं नेक्स्ट बस से आ जाऊँगा। तो वो कहता है कि कानून इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देती। अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो वो अगले बस से 3 मिनट बाद जा सकता है, लेकिन जब तक मैं आपको दूसरे बस में चढ़ाऊं ना या इस बस को मैं ठीक ना करूं। उन्होंने कॉल की थी, वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर वो गाड़ियां भी फिर आ गई जी इस बातों के बाद, और उन्होंने वो कुछ खराबी थी, फाल्ट थी, उसको दूर किया। उन्होंने बड़े प्यार और इज्जत से मुझे बस में बिठाया और ऊपर से सॉरी किया कि आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपको तकलीफ पहुंची, हम इसके लिए माजत ख्वाह हैं। तो कानून, उन्होंने एक लफ्ज कानून का जो है वो जिक्र किया कि कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं आपको रास्ते पे छोड़ जाऊं और मैं चला जाऊं, मैं आपका कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगा, इसके बाद मैं जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि जब कानून बने और उस पर इंप्लीमेंटेशन का कोई मैकेनिज्म हो, सही, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद, ये डिसेबिलिटियां, ये तंग नजरियां, ये रास्ते, देखिए आप रोक रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की को। सही बात है। WHO कहती है कि 15% आबादी अफराद बाम मजदूरी पे मुश्तमिल है, तो ये 15% आबादी 60% आबादी पर इसका असर है, उसके वालिदैन पे असर है, उसके भाइयों पे असर है, उसके रिश्तेदारों पे असर है, इसकी असर है। लेकिन जब इन लोगों के एजुकेशन के दरवाजे बंद है, एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे बंद है, अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलती नहीं है जी हाँ, तो पाकिस्तान तरक्की किस तरह करेगा। सही बात। आपको मैं मिसाल देता चलूं, जो न्यूटन के चेयर पे बैठा हुआ था, जो ना बोल सकता था ना उसके हाथ पांव काम करते थे, एक साइंटिस्ट था, माहिर फलकियात था। सही बात है। एक वो बंदा जो उसकी आवाज की ट्रांसलेशन होती है, ही इज नॉट डिसेबल, वो एक साइंटिस्ट है, इल्म ने उसको किस मकाम पे पहुंचा दिया क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल। यहां पर एक बंदा, उसका एक पांव में फर्क पड़ जाए जी हाँ, वो खुदकशी पे उतर आता है जी। ऐसे हुए भी हैं, अटेम्प्ट भी हुए हैं। क्यों? उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी तो लिहाज से जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है जी हाँ, जो DPOs हैं, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कर रहे हैं, सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं, IEL सेंटर बने हैं। देखें हमने हमारी आज से 6 महीने पहले हैंड्स की तरफ से हमें IEL सेंटर मिला और हम उसको चला रहे हैं उधर लोअर दीर में। अभी उसी IEL सेंटर को देखते हुए हमने 4 मजीद डिस्ट्रिक्ट में IEL सेंटर खोले। हमारा क्या, हमारा मकसद ये है, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हर रोज हम एक बंदे को बरसरे रोजगार कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है, हर दिन एक रोजगार। जबरदस्त, बहुत बड़ी हमारी फाउंडेशन दे रही है। उन लोगों को जो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को जो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको कमाने का हुनर, मतलब ये हमारी दीन में भी है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ कौन है? जो देता है। सही, सही, सही। नीचे वाला हाथ कौन है? जो लेता जो है, लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप कमाओगे तो आप दोगे, सही, लेकिन जब आप कमाओगे नहीं तो आप बेसिकली, आपके वालिद ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ये लेना मांगना ये बहुत मुश्किल काम है।
हमने इस कंसेप्ट को चेंज करना है कि किस तरह हमने अपने भाइयों को, अपने बहनों को अपने पांव पे खड़ा करना है। हमारा एक और प्रोग्राम 10,000 जो फिजिकली चैलेंज सदा है, के प्लेटफॉर्म से, सदा के प्लेटफॉर्म जी जी, हमारा एक और टारगेट है 10,000 फिजिकली चैलेंज जिसको व्हीलचेयर नीड है उनको व्हीलचेयर मेंबर बनाना, सारी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर्स का बोझ उनके कंधों से उतारना। लेकिन ये व्हीलचेयर हमारे होंगे, फाउंडेशन के होंगे, इसको यूज करने के लिए देंगे। अच्छा, ये फरोख्त नहीं कर सकेंगे, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकेंगे, हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे, अगर खराब होती है ये हमारे सेंटर में दोबारा इसको जो है ला सकते हैं। सदा की स्टार्टिंग कब से की है आपने? सदा बेसिकली यही स्टोरी के 2001-2 में रोड की फैसिलिटी आई, 2002 से ही मैंने तगुदू शुरू की, 2005 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ सिबिट जी, सॉरी सीबी शॉट, आप उसमें थे? हाँ, सीबी शॉट। Okay. उसमें थोड़ी बहुत हमारी ट्रेनिंग हुई और फिर जो लाइफ चेंजिंग है वो लाहौर, मैं उसको भाई को बता रहा था कि एक वाकया मेरे साथ हुआ, वो ये हुआ कि मेरा फोकस जो है वो सिर्फ मेरी जात थी, मेरा इलाज हो, मेरा ये हो, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, सिर्फ मेरी जिंदगी मैं के अंदर, दायरे के अंदर थी। तो डॉक्टर खालिद जमीद एक बहुत बड़ा नाम है, उनसे मेरी एक सेमिनार में मुलाकात हो गई। मैंने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज हो सकता है? उन्होंने कहा कि भाई सेमिनार है, मुझे की पता कि आपका इलाज हो सकता है कि नहीं, लाहौर आ जाए उधर देखते हैं आपका इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता जी। मैं भाई जो है वो अपनी लोकल जो सौगात होते हैं उसको लेता हुआ, मतलब ये जो इसको हम कहते हैं खालिस घी गाय का, वो लेता हुआ, ये सारी चीज़ें सौगात, वही डॉक्टर खालिद जमील ने जो है वो एक उम्मीद दी है आप आ जाए, मैं आपको उधर गया, उसकी टीम ने मेरी मुआयना किया, उन्होंने खुद भी मुआयना किया, लास्ट में सामने बैठ गया, उन्होंने कहा कि अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात को तो उस खुर्शीद में और इस खुर्शीद में जमीन आसमान का फर्क है उसी एक वाक्य की वजह से। सही सही। तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद आप इस तरह करें, इलाज ना करें, इलाज आपका मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, तो बहुत सारे लोग हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं व्हीलचेयर पे, आप एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी तरतीब से मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं जज्बाती था तो आप उस इंटेंशन से गए हुए थे, उसी से मैं गया था, तो मेरे आंखों से आंसू रवा हो गए, पठान के आंखों से आंसू रवा होना ये कोई जो है वो मामूली चीज़ नहीं होती। जी, जी। तो उस शिद्दत की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कितनी शदीद जब हो गए, तो मेहताब साहब मेरा अटेंडेंट था, उन्होंने कहा कि खुर्शीद चलिए कोई मसला नहीं है, ये मीनार पाकिस्तान जाते हैं या शाही कला जाते हैं, मुझे वो चिंची पे वहाँ पर ले गए, मेरा मूड ठीक ना हुआ, जो अलाम इकबाल साहब का मज़ार है वो सामने है मीनार पाकिस्तान के जी, तो वहाँ पर पैदल पैदल मैं स्टिक के साथ उस वक्त मतलब फ्रीली चल सकता था। तो जब हम एंटर हुए उस बड़े दरवाजे के अंदर, लेफ्ट साइड पे कीकर का एक दरख्त था, शायद अब है नहीं ये, कीकर का एक दरख्त के नीचे एक बंदा पड़ा हुआ था जिसके ना दोनों हाथ थे ना दोनों पांव थे, अल्लाह, कटे हुए थे, ठीक ठीक, बोल नहीं सकता था, मुझे एक अजीब सी कैफियत मुझ पे तारी हो गई, शुक्र, सिर्फ एक लफ्ज शुक्र कि अल्लाह मैं देख सकता हूं, बोल सकता हूं, चल सकता हूं, खा सकता हूं जी, मैं शुक्र नहीं कर रहा, यह बंदा न हिल सकता है न जा सकता है, मक्खियां तक नहीं उठा सकता। उसके बाद से मैंने आज तक किसी भी डॉक्टर, मैं दवाई नहीं करता, जब भी मैं अल्लाह शिफा देने वाला है, मेरा यह अकीदा है। सही बात है, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, बिल्कुल बिल्कुल, डिसेबल लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्शन है, ये भी उन्होंने दिखाया कि खुर्शीद देख, इस बंदे को देख, अपने आप को देख। सही। उस दिन के बाद अल्लामा इकबाल के मज़ार साहब से शुरू जो हमारी तहरीक हुई थी, अल्लामा इकबाल के मज़ार से,
इस वाकये के बाद। तो ये बैकग्राउंड था सदा का जी। बहुत कमाल नाज़रीन, 10 साइंटिस्ट दुनिया के अंदर मञा वञन था जिनमें डिसेबिलिटी हुई है, जिनके डिफरेंटली एबल पर्सन दुनिया मञो तो हाँ ही डिफरेंटली एबल हैं। थॉमस एल्वा एडिसन उन्हें में हुयो जिनके करे असा अज रोशनी में मौजूद आयूँ। वो पेरो साइंटिस्ट हुयो जिन बल्ब इजाद कयो उनकी बदौलत अज असा इन रोशनी में आयूँ। उनखां पो जेका तरक्की दुनिया कई है वह तो वाह कमाल है। असा लाल मोहम्मद साहब इन प्रोग्राम में मौजूद हैं। सजो प्रोग्राम मां समझा दी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। जेका जस्तजू जिद्दोजहद कई जाहिर काबिले कंटिन्यू कयूं था नाज़रीन। नंढो ब्रेक है, नंढो ब्रेक हूँ तक कारे नवन जो दिसा रहो अवजों प्रोग्राम सुबह मेहरान। नाज़रीन एक भेरो बेहर सुबह मेहरान में भलीकार खबर है असा जिन जिन जो सालग्रहों हों उन जन्म ढी हूँ वर्ष हूँ उन शख्सियतों के याद कह अजीम शख्सियतों के याद कह। सो अज इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब की सालग्रह है, 113 सालग्रह है। फैज़ अहमद फैज़ से किथा गलज गलज यो जरूर अस शागिर्दन जहा शागिर्दन जहा भी शागिर्द आयो उर्दू अदब जो मां शागिर्द आया पर सदाई मुख्य यो तमाम दुख्य लगंदो आहे ते के वडे नाले ते गालायण खां किथा शुरुआत कजे। आई हु इंकलाब मार्क्सिज्म फलसफे जो मतलब त पान चों त उनन जे बानियन मां एकड़ो होयो जी। आई उन मिर्ज़ा गालिब अल्लामा इकबाल खां तमाम घणो मुतासिर होयो। आई शायरी जे वसीले पंहिंजी शायरी जे वसीले मज़लूम महकूम ऐं पीड़ियल तबके लाइ आवाज़ बुलंद कयो। तव्हां ज़रूरु उन्हनि जो ॿुधो हूंदो त हम देखेंगे लाज़िम हम भी देखेंगे जब कोहे गिरा ऐं मतिलबु जब महकूमो के साए तले इहे धरती धर धर धरकेगी। इहो तव्हां ज़रूरु ॿुधो हूंदो केतिरा ई उन्हनि जा गीत हुआ। हू मुख़्तलिफ़ कॉलेजिस में उस्तादु हुयो ऐं उन्हनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते नौकिरी कई, पाक फ़ौज में बि उन्हनि नौकिरी कई। पर शायरी सां जेको उन्हनि इनकलाब आंदो शायरी उर्दू अदब में जेको उन्हनि ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं कैद भी रखियो वियो। फैज़ अहमद फैज़ मुझे ख्याल में हैदराबाद के सेंट्रल जेल में कैद जी भी डिठी नौबत या बर्दाश्त कई। अड़ी रीत उन्होंने कलाम के केतरन ही फनकार गाय नूरजहाँ गाय मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अड़ी रीत ही जो बुधायम तक हम देखेंगे लाजम में हम भी देखेंगे। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई जैसे वीरान में छुपके से बहार आई। यो भी फैज़ जो आहे फैज़ लिखो आहे दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरां है मैं कदा गमो सागर उदास हैं तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार के। वाह so, वाह फैज़ के पढ़जे तो अलावा हमारा उससे जो दश्ते तन्हाई जो आपदा परवीन भी गायो है कमाल है दश्ते तन्हाई। सो फैज़ अहमद फैज़ खां साहब के असा जितनी भेटा पेश कयूं घटाए उन्होंने जो कम कयो है तमाम वो कम तमाम खूबसूरत कम सदिन ताई उनके याद कयो वेंदो सदिन ताई उनकी शायरी के गायो वेंदो। एकड़ी भी गाल ऐड कंदी अला ता जे कने रीडर आयो ता पढंदा आयो ता पो एकड़ चवंदा ना चाय जो कप आ वो जेसी ताई सा गरम गरम नथा पियो ता चाय मजो कोन दींदी आ माने रखी रखी थदी ता के चाय कोन वणंदी ता पढण भी ही हुंदो आ पो ता पढ़ी पढ़ी जने उन किताब के को बाहे रीडिंग ता उनके जने एंड कयो ता तो वो विच में शायरी जने ता वरी खणो ता पढो ता वरी सफा बिल्कुल ता रवाना थी विंदा आयो वरी बे किताब ले ता तरो ताजा थी विंदा आयो। इवन जे कने ता जिंदगी में रूटीन में कम कयो थकजी पो था तो मौसीकी रूह की गिजा बिल्कुल शायरी है तक फ्रेश कर छे थी बे रमज में हलया तो वही समझो एनर्जी ड्रिंक पी वरती है। फैज़ के आखिरी इन सिटन से भेटा पेश कदम तो वो हमारा इस तरह से है फैज़ वो हमारा इस तरह से है फैज़ जैसे बंदे खुदा के होते हैं। जैसे बंदे खुदा के होते हैं। वो मुझो मुला ये आए जी मानो खुदा ला उन खुदा पाजे मानो सा की मोहब्बत कंदो है छा त उन अल्लाह जी सिफात हुआ बे इंसानन में मौजूद हुंदी है। बिल्कुल रीत पान तमाम वडो नालो सदाकारी अदाकारी शायरी तमाम वडो नालो होस्ट रहयो है ज़िया मुहिद्दीन उनन जी जे पहिरी वर्सी है ज़िया मुहिद्दीन ते जितरो गलाए जे घट है नापा उनन जी वडी में वडी कामयाबी है। बिल्कुल इन प्लेटफॉर्म ता हन वक्त ताई फनून लतीफा सा वागियल हजारें शागिर्द
हज़ारें शागिर्दनि जो मक़सदु त हज़ारें अदाकार पैदा थिया आहिनि, राइटर्स पैदा थिया आहिनि, मेज़बान पैदा थिया आहिनि, होस्ट पैदा थिया आहिनि, आर्टिस्टिक आर्टिस्ट पर्सनैलिटीज़, फ़नून लतीफ़ा में ज़िया मुहिद्दीन जो जेके ख़िदमतूं आहिनि, मूंखे नथो लॻे त पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा जे हवाले सां एतिरियूं कंहिं ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं हूंदियूं। इंतिहाई नफ़ीस इंसान, इंतिहाई मतिलबु त पंहिंजे नफ़ासत सां मज़ाहिया अंदाज़ में, ऐं पाकिस्तान जो जेको वॾे में वॾो मज़ाहिया राइटर हुयो पंहिंजो ऐं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बज़बान यूसुफ़ी जेको हुननि रिकॉर्ड कयो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो, ऐं यूसुफ़ी साहिब जा के किसा हिननि बयानु कया, हिकिड़ो पूरी सीरीज़ हिननि रिकॉर्ड कई, उहो तव्हां यूट्यूब ते पहिला तव्हां ॾिसो त कमाल हुननि जेको आहे उहो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहिब सां निभायो आहे मज़ाह में। हिननि पंहिंजो बि जेको मज़ाह लिखियो, जेको हुननि एहतजाज कयो पाकिस्तान जी हालतुनि ते, हुननि जे ग्राउंड रियलिटीज़ ते, हुननि जी मईशत ते, तमामु वॾो तमामु वॾो हुननि जेको आहे ज़िया मुहिद्दीन कमु कयो आहे। ज़िया मुहिद्दीन असां गुज़िरियल साल विछड़ी विया हुआ, तमामु वॾो विछोड़ो, ऐं इहो ख़्वाल कॾहिं बि पुर न थियो। आर्ट जी दुनिया जो तमामु वॾो विछोड़ो ज़िया मुहिद्दीन साहिब जिन जे विछोड़े खे मञियो वियो। नाज़रीन, ऐं हूअ शोपनहार चयो आहे, शोपनहार क्रिटिक में तव्हां हुननि जो नालो ॿुधो आहे, पोइट्री में, स्टोरी टेलिंग में हुन चयो आहे त इंसान उहो सभु कुझु करे सघे थो जेकॾहिं उहो सचे मन सां चाहे त उहो हिन दुनिया में, ऐं ईंदड़ जेको तव्हांजो बिलीव आहे त पोइ इंसान कॾहिं बि ख़तमु न थींदो आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त इंसान उहो करणु चाहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां करणु चाहियो था त पोइ महिनतूं पाण सभु मञंदा आहियूं त परवरदिगार कंहिं बि इंसान जी महिनत खे रायगान कोन कंदो आहे। ख़ूबसूरत इहा ग़ज़ल आहे, मशहूरु आहे, हुननि जो जेको मौसीकार आहे रोबन घोष, उन्हनि जे विछोड़े खे अॼु 8 साल थी विया आहिनि, तमामु वॾी हुननि ख़िदमत कई मौसीकी जी, ऐं सवें गीतनि जी हुननि मौसीकी जुड़ी, उन्हनि जे अॼु विछोड़े जो ॾींहुं आहे। अलाह साईं हुनखे ग़रीक़ रहमत करे, ऐं पंहिंजो जेको कमु कयो आहे ज़ाहिर आहे तव्हांजो कमु ई तव्हांखे यादि ॾियाराए थो, हर साल तव्हांखे मल्हायो वञे थो, तव्हांजी सालगिरह खे मल्हायो वञे थो, तव्हांजे विछोड़े जे ॾींहं खे मल्हायो वञे थो, ऐं सदियुनि ताईं इहो तव्हांजो कमु तव्हांखे जीआरे रखंदो। बिल्कुलु बिल्कुलु, तारीख़ में उहे ई नाला नाज़रीन ज़िंदा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे कम सां सचाई कंदा आहिनि, ऐं पंहिंजे कम सां हुननि जी मुहबत हूंदी आहे, ऐं इहा मुहबत तव्हांखे कॾहिं मरण कोन ॾींदी आहे। सो असां आयल मौज़ूस महिमान जी तरफ़ हलंदासीं। ख़ुर्शीद आलम ख़ुर्शीद साहिबु मौजूदु आहिनि, ऐं लाल मोहम्मद साहिबु मौजूदु आहिनि। सो लाल मोहम्मद साहिब खां कंटिन्यू कयूं। मूं चाहियो पई त मूं साईं खां ब्रेक में पुछां पियो त असांखे तव्हां कुझु ॿुधायो त असांजे डायरेक्टर साहिब जी बि इहा ई ख़्वाहिश आहे त साईं खां कुझु ॿुधणु घुरिजे पश्तो में, नाज़रीन शायरी संदनी ज़बानी। जी वाह साईं वाह, ख़ुर्शीद आलम ख़ुर्शीद बज़बान ख़ुर्शीद आलम ख़ुर्शीद जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। पश्तो में मेरा एक कलाम है, बिल्कुल, ज़मा गम जन ज़र गया, वाह वाह, यानी ए मेरे गमज़दा दिल, ए मेरे गमज़दा दिल, हाँ, इसको मैं जो है पश्तो में ही बिल्कुल तरन्नुम में पेश करना चाहूंगा। जमा गम जड़ जड़ गया, जमा गम जन जड़ गया है, वले जड़ेगे हमेश, वले दर्देगे हमेश, वले खफा खफे, ये वले स्तड़े स्तड़े, दाख दुनिया दलत गम खाद दवान राजी, दलत नफरत द मोहब्बत सरल कई तड़ली, दल तक मिना द जफा तोर में गो खोणली, दल तहगा सड़े बाचा दे छि दो कवर कवि, दरणा गानो प बदल तोर त्यर वर कवि, रणा द तोर औ त्यर खलक तस पे नखकारे, दमासियत पलुगो खलक स्पिन विनखकारे, न जमा गम जड़ गया, न ब्याज जड़ी गिसलाए, हस दर्दी गिसलाए, लेवने की गिसलाए, साराने की गिसला, दलत दौलत में पहर गाम के बाजी गिरली दले, दखल को जुड़नो के में कदर दजर गिरली दले, उचत पबाम चिवी वलाड़ हगे इज्जत गटले, चिलग्राह कताशी नजर के में कस कर लिदले,
چننیه جوړ کې دا دنیا د خپلولو لایق سبا بیا ما پوینو سر پر هر لیدل نظم غم جن زندگی ہے اس کا ایک یہ بہت مطلب طویل ہے جب باتیں ہو رہی تھی تو آپ نے فرمائش کی تھی پشتو میں میں نے کہا کہ اپنی جو سوچا کہ تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی میں کر دوں تاکہ سمجھ جائیں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ یہ بندہ جو پشتو میں سنا رہا ہے وہ کیا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا اے میرے غمزدہ دل جی ہاں میں اپنی دل سے مخاطب ہوں جی آپ ہمیشہ کیوں روتے ہیں آپ کیوں ناراض اور خفا رہتے ہیں واہ واہ یہ تو دنیا ہے بالکل بالکل یہاں غم اور خوشی بھائی اور بہن ہیں بالکل آپ نے غم پہ بہت خوبصورت وہ کی اصل میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے ہم پروگرام کی جو اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں چاہیں گے کلاس یہ میں لوں گی آپ سے میں پڑھوں گی نہیں ہم اور کل میں طائرہ کو دے دیں گے کل آ کے طائرہ جو ہے نا اردو میں اس کو جو ہے نا ترنم میں پڑھیں گی یہ بہت خوبصورت ان کی آواز ہے ہم چاہیں گے کہ لاسٹ آپ ہمیں کوئی میسج دیں ہمارے ناظرین کو لال سائیں لال صاحب جو آواز لال سائیں تو یہ شاعری جو کہہ رہے ہیں تمام گھنی تاری ہی بالکل دیکھیں آج بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے پاس کے پی کے سے لوگ کے پی کے کا مانو آیا لوا ڈاڈی ایکری شیئرنگ کئی ہاں سندھ واسین کا اور مخاطب آیا سو ہاں اسا حیدرآباد میں آیا سی سندھ میں اسا پنجے کپ کے پھیلایو پیا مقصد اسا جو ہی ہے کہ 35 بلین ملین مانو کے اسا موبلائز کیو ای کم ڈاڈو آسان ہے موبلائز امپاور کرن کے آسان ہے سب اؤں صرف ایکڑی اسد واسے سے گال کر دوں سر رکاوٹ صرف اسان جی ایلیٹ کلاس ہے صحیح دل قلب وڈا کرن رستہ سا گڈو گڈ پانجا بیہیویئر چینج کرن یقین من گو سندھ ترقی جی رات گامزن تھی ویندو زبردست تمام خوبصورت گال کی تے دل بہت اچھا لگا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز پہنچائی اور میں تو بیسیکلی جب آ رہا تھا تو دو گھنٹے کا سن کے مجھے سندھی میں تو صرف سائیں بابا سائیں ہی آتا ہے لیکن بہت فرینڈلی ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور صرف ایک پیغام میں اپنی خصوصی بہن بھائیوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں بہت زیادہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اپنی حقوق کو پہچانیے اپنی لوکل ایریاز میں ایم پی ایس ہیں ایم این ایس ہیں آفیسرس ہیں آپ لوگ اپنی حقوق کے لیے آواز بلند کریں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ڈی پی اوز ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن بنائیں اور اس میں ٹرین کریں ہماری آئندہ نسلوں کو جاپان میں چینج جو ہے وہ اس طرح نہیں آیا تھا ہم لوگ خود جو ہے وہاں کے جو پیپل ڈسیبلٹیز ہیں انہوں نے آواز اٹھائی اور سارے پلیٹ فارم سارے جو ویلفیئر کی جو پالیسی ہیں وہاں پر ہیں امریکہ میں بھی ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں بھی چینج آ رہا ہے 20 سال کے پہلے پاکستان میں اور 20 سال کے بعد پاکستان میں کافی الحمدللہ چینجز آئی ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ خورشید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے راحت تندوری صاحب مجھے یہاں پر یاد آ گئے چونکہ شاعروں کی بات چل رہی ہے اور راحت تندوری صاحب کہتے ہیں طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو طوفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو ملاحوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو خوبصورت خوبصورت ناظرین تاں سبنی جی مہربانی جے مہمان آئے ان سبنی جی مہربانی تاں اساں کے پسند کیو تھا تاں اساں کے شین مطلب تاں اساں کے کال ذریعے تاں جوائن کیو تھا ڈاڈی خوبصورت ان گالیوں کیوں کرایتوں گالیوں کیوں جے دوست ہیں تاں جے آسے پاسے میں ڈس ایبل مانو ہیں ان جی تاں سارا لو سار سنبھال کیو ان جے رستہ آسان کیو ضرور تاں جا رستہ آسان تھیندا جو کہ پروگرام جے لا
जी बिल्कुल तहां लास्ट में डाढ़ो सुठो शेयर चयो आहे इन ते इशा साईं दहशत दम दरिया में जो जायूं जानारनि नाज़रीन तव्हां ज़रूरु ॿुधो हूंदो पढ़ियो हूंदो तशरीह पढ़ी हूंदी सो ख़ौफ़ पंहिंजो छॾे ॾियो ऐं पंहिंजी मंज़िल ते नज़र कयो ऐं तव्हांजी मंज़िल तव्हांजी ई तव्हांखे ज़रूरु मिलंदी पर बशर तव्हां महिनत कंदा रहो नाज़रीन हींअर तव्हांखां इजाज़त वठंदासीं मूंखे मुंहिंजे आयल मौज़ूज़ महिमान खे आयल साथियुनि खे जेके असांजा महिमान रहिया ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदव इजाज़त पंहिंजी दुआउनि में रखंदव यादि अलाह निगहबान